चलते हैं यहाँ से विशाल विंडो कूलर और विशाल अलमारी के शोरूम के अंदर। विशाल विंडो कूलर ये आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट, यहाँ पर बहुत बड़ी रेंज आपको मिलती है कूलर्स की यहाँ पर विशाल विंडो कूलर पर। इसके साथ अलमारियों की एक आपको बहुत बड़ी श्रृंखला यहाँ मिलेगी, पर की अलमारियों की अगर रेल गाड़ी कहीं पर दिखती है तो वो मिलती है विशाल फर्म पर। बाद यहाँ पर एक्सक्लूसिव यहाँ पर आपको मिलेगा फर्नीचर, विशाल का फर्नीचर जो एक्सक्लूसिव और सालों साल नाता निभाता है आपके साथ, और साथ में विशाल की ड्रेसिंग टेबल, कहा जाएगा फर्नीचर की एक पूरी श्रृंखला है विशाल फर्नीचर पर। और इसके बाद ये लग्जरियस गद्दे जो आपको मिलेंगे, स्लिप बेल मैट्रेस यहाँ पर, वो भी विशाल फर्म विशाल सेल्स के साथ, एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे फर्नीचर की पूरी रेंज और साथ में स्लिप बेल मैट्रेस और साथ ही कूलर और अलमारी। तो फिर इधर उधर क्यों जाना, छतरी नंबर एक पर मिलेगा आपको यहाँ पर विशाल विंडो कूलर, विशाल अलमारी, विशाल फर्नीचर, स्लिप बेल मैट्रेस। कहा जाता है इनका स्लोगन है विशाल है तो फ्यूचर है, क्योंकि लाइफ टाइम सर्विस के साथ छतरी नंबर एक पर आपको मिल जाएगा ये विशाल फर्म का शोरूम। आइए चलते हैं सिद्धि विनायक ज्वेलर्स पे और देखते हैं कि सिद्धि विनायक ज्वेलर्स दरअसल है क्या। और ये स्पेशल हैंडमेड ब्राइडल लहंगे, और ये स्पेशल साइड लहंगे, स्पेशल क्रॉप टॉप, ये स्पेशल गाउन, और ये देख रहे हैं आप एक्सक्लूसिव दूल्हा घर। यहाँ आपको मिलती है 800 से अधिक शेरवानी, 600 से अधिक इंडो वेस्टर्न, और साथ में 300 से अधिक ब्लेजर, और साथ में ज्वेलरी का स्पेशल खजाना ब्राइडल और साइड ज्वेलरी। ये सभी वस्त्र एवं ज्वेलरी किराए पे उपलब्ध हैं। तो ये है सिद्धि विनायक ज्वेलर्स, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं ब्राइडल 500 से अधिक लहंगे, साथ में साइड लहंगा 1500 से अधिक, जो साथ में दुल्हन के फ्रेंड्स जो शायद पहनते हैं वो वाले, और क्रॉप टॉप 500 से अधिक मिलेंगे आपको यहाँ पर, उसके साथ में गाउन 300 से अधिक है यहाँ पर, और दूल्हा घर जैसे हमने आपको दिखा है शेरवानी 800 से अधिक, यहाँ इंडो वेस्टर्न वो भी 600 से अधिक है, और ब्लेजर वो भी 300 से अधिक। फिर इधर उधर क्यों जाना। तो जब आप चिट्टीस की गोट में आते हैं तो साबुन वाली गली में चार पांच दुकान अंदर जब आएंगे, जब आपको मिलेगा आपका अपना सिद्धि विनायक ज्वेलर्स। मैं तो कहूंगा अगर आपके शादी का आयोजन है तो एक बार जरूर यहाँ आए, कहीं भी जाने से पहले एक बार जरूर आए सिद्धि विनायक ज्वेलर्स, साबुन वाली गली चिट्टीस की गोट। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। मित्र नमस्कार, जय बाबा अचलनाथ की। विन ग्वालियर हैदवे सिटी केबल डिजियाना एशियन डेन नेटवर्क के साथ बाबा अचलनाथ की प्रस्तुति विशाल फर्नीचर आओ मिला चले कार्यक्रम में मैं शिरीष गुप्ता गुड्डु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 12 फरवरी बुधवार का दिन, चलिए चलते हैं आज के कार्यक्रम और देखते हैं किसने क्या घूमा, क्या देखा, क्या पसंद किया और कौन आए आपको गुदगुदा गया इस कार्यक्रम में। आओ मेला चले, ओयम सुनाओ जल्दी। आती जा रहा कहां तले मेरे अलाव ना तेल पड़ी था। रखो एक आपके लिए कौरव स्वीट से बेटे नाम। महक। ओयम सुनाओ। जो लालू जी ने केला खाया, केला खा के मैं ऊपर गया। आपके लिए रख लो निरंकारी बेकरी से बेटे नाम। बेसलवी। आपको पोयम आती है सुनाओ।
मछली जल की जानी है जी, हम उसका पानी है। आपके लिए रख लो बेटे गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से। क्या नाम है आपका? मानवी। अरे वाह, क्या सुनाओगे आप? पोयम सुनाओ। पानी बरसा चम चम चम, छाता लेके लिख रहे हम, पैर पे चल रहे गिर गए हम। अरे गिर गए हम। रखो एक आपके लिए कौरव स्वीट। कहाँ पर है ये कौरव स्वीट? कहाँ पर है ये? कहाँ पर है? माधोगंज। कहाँ पर? हम तो गोल। रख लो एक आपके लिए। क्या नाम है आपका? इसीता। पोयम सुनाओ। मोटे लाला बिल्कुल तम कर। निरंकारी बेकरी से रख लो बेटे एक आपके लिए। क्या नाम है आपका? दीदा नेरिया। क्या सुना रहे हो? पोयम सुनाओ। पूरो जाती तितरी रानी पन ताते आईयो आओ तीते दादी अपरी रो। एक आपके लिए भी रख लो बेटे गोल्डन लाइफ से। क्या नाम है? कृष्ण। पोयम सुनाओ। जोनी जोनी ये पापा नीति सुवर रो पापा नीनी आई रो पापा तू माँ हा हा। कहाँ पर है ये कौरव स्वीट? माधोगंज। एक आपके लिए। क्या नाम है आपका? पोयम सुनाओ। ट्विंकल ट्विंकल स्टार हाउ वंडर व्हाट यू आर अब क्या वस्तु है। एक आपके लिए भी रख लो बेटे निरंकारी बेकरी से। क्या नाम है आपका? तज्ञ पाठक। पोयम सुनाओ। नहीं माँ के ऊपर रहे सुनाओ। पहला स्कूल पहला टीचर पहला प्यार पहली सास मेरी माँ पहला दोस्त पहला टीचर पहला प्यार मेरी माँ। और थोड़ा सा ही आता बस। एक आपके लिए रखो गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से और एक और आपके लिए। आपने अच्छा सुनाया है। एक आपके लिए पद्मश्री चाय से और है। एक और आपके लिए है। आपके लिए निरंकारी बेकरी से एक और है। ठीक है एक और आपके लिए है। ये रख लो एक आपके लिए शंकर सेल से। क्या नाम है? समझ। क्या सुनाओगे आप? पोयम और चुटकुला। सुनाओ। जितना प्यारा हमें हिमालय जितनी प्यारी हमना गंगा उतना ही प्यारा है हमको फर उल्टा हुआ। एक आपके लिए रख लो कौरव स्वीट से। एक आपके लिए उपहार है। पोयम फिर अंगूठा लगाऊंगी। अंगूठा लगाओगे? दिखाओ जरा आगे आओ। बस एक ही तरीके से? और पेट हिलाऊंगा। पेट हिलाओगे आप? जरा पेट हिलाओ और जोर जोर से लाओ। अरे हिल नहीं रहा यार, और जोर से लाओ। स्पीड बढ़ाओ उसकी और बढ़ा दो स्पीड। वाह वेरी गुड। कहाँ रहते हो? किला गेट। देखो तालियां मिलेंगी आपको यहाँ पर। बहुत बढ़िया किया है आपने। इधर आता हूँ। क्या नाम है आपका? पोयम सुनाओ बेटे। चुंदरी जयपुर निरंकारी बेकरी से एक आपके लिए उपहार है। क्या नाम है आपका? पोयम सुनाओ। दानी दानी एक पापा इतने दुआ ना पापा तैली लाए ना पापा ओपन माउथ। एक आपके लिए रख लो गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से। एक आपके लिए उपहार है। क्या नाम है आपका? रागनी। क्या सुनाओगे? सॉन्ग सुनाओ। मेरे सास के पांच पुत्र थे दो देवर दो जेठ के सुनियो मेरे ही करम मैं भावड़िया लिखा था। और बस डांस करोगे आप? जल्दी बताओ आप। यस yes. यस yes. क्या नाम है आपका? अंशु माहौर। क्या सुनाओगे आप? जोक सुनाओ। एक बंदर होता है, एक बंदरिया होती है। तो बंदरिया धरती में लौट रही होती है। बंदर उससे कहता है बंदरिया धरती में को लौट रही है। तू लौट चतरा बाप लौट, मैं तो पाउडर लगा रही हूँ। ये तो अभी एक बच्चा सुना के गया था, आपने रिपीट सुना दिया। और है कोई बताओ? घर में कुत्ता पाल लो होता है कि चोरी ना हो, पर कुत्ता ही चोरी हो जाता है। अरे यार ये अभी हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे, आप सारे रिपीट सुना रहे हो, कुछ नया सुनाते आप। रखो कौरव स्वीट से एक आपके लिए उपहार है। क्या नाम है बेटे आपका? सेजल। क्या सुनाओगे आप? चुटकुले और शायरी सुनाओ। रस भरा रसगुल्ला खाया नहीं जाता, गुड्डू भैया आपकी याद मेरा आ नहीं जाता। और चूहा निकला बिल से, हैप्पी न्यू निकला दिल से। और मोटी मोटी गई बाजार, मोटी बोली ये ले ले, मोटी नाली में मोटा बोला और ले ले और ले ले। ये क्या था? चलो और क्या है? बस डांस करोगे और आप? No. नहीं। चलिए एक आपके लिए रख लो निरंकारी बेकरी से है और एक और आपके लिए पद्मश्री चाय से। क्या नाम है बेटे? अनंत। क्या सुनाओगे आप? मैं चुटकुले और शायरी। चुटकुले और शायरी सुनाओ। शायरी
होटल में जाता हूँ, बजाता हूँ टेबल, मेरा नाम है सनी देवल। वाह। चौपाटी पे जाता हूँ, खाता हूँ पान, मेरा नाम है सलमान खान। वाह। भांग बनने की कदर की जा नहीं आती, भांग बनने की कदर की नहीं आती, इस कदर की नहीं जाती, मांग पूरी करते करते खुद मांग के करम। और एक जोक है। हाँ। पत्नी ने पति से कहा कि तुम्हारी शर्ट में एक भी बाल नहीं है। पति ने तो कहा तो क्या हुआ, पत्नी ने कहा तो कौन सी टकली से तुम्हारा फेर चल रहा है। ये कैसा चुटकुला है, कैसे सुनाओ। पत्नी ने पति से कहा तुम्हारी शर्ट में एक भी बाल नहीं है। पति ने कहा तो क्या हुआ, पत्नी ने कहा कौन सी टकली से तुम्हारा फेर चल रहा है। ऐसा भी होता है। चलिए वेरी गुड। क्या नाम है बेटे, आगे आओ। आशिका धनेलिया। क्या सुनाओगे आप? कविता। कविता सुनाओगे, सुनाओ। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत, जिसका नाम धरती अंबर पर्वत नदियां है जो इसकी शान। हम भारत के रहने वाले भेदभाव ना जाने, जाति जन्म को छोड़ के सारे आगे बढ़ना जाने। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत, जिसका नाम हम भारत के रहने वाले तीस का नाम। गुलशन बन जाए जग सारा, कर दो ये ऐलान, धरती अंबर पर्वत नदियां है जो इसकी शान। वेरी गुड। और डांस करोगे आप? चलिए मैं कर। बेटे क्या नाम है आपका? कृतिका पाठक। आगे आ जाओ। क्या सुनाओगे आप? जब पति अपनी पत्नी से परेशान हो जाता है तो उसके ऊपर गाना है। मेरी घर वाली मायके कब जाएगी तू, और कब तक मेरी जान खाएगी तू, और कब और जाकर फिर नहीं आएगी तू, चली जा तू चली जा। सब्जी में लाता खाना पकाता, दूध गरम कर तुझे पिलाता, और कब तक ये बर्तन मजवाएगी मेरी घर वाली मायके कब जाएगी तू, और कब तक मेरी जान खाएगी तू, और जाकर फिर नहीं आएगी तू, चली जा तू चली जा। चलिए वेरी गुड। डांस करोगे आप? नहीं। डांस नहीं करोगे आप? चलिए मैं आपको अभी गिफ्ट देता हूँ। क्या नाम है आपका? आर्यन प्रजापति। क्या सुनाओगे? सॉन्ग सुना। मेरी सास की पांच बेटियां, दो अनपढ़ दो गवार। गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से एक आपके लिए उपहार है। क्या नाम है आपका? नितिन। क्या सुना रहे हो? शायरियां। शायरियां की? अर्ज किया है बेस्ती और बीवी अजीब चीज है, अर्ज किया है बेस्ती और बीवी अजीब चीज है, जब जब अच्छी लगती है जब दूसरे की होती है। हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर हूँ, मेरी बीवी नर्स है, क्या अजीब सहना पड़ता है कि अपनी बीवी को सिस्टर कहना पड़ता है। और एक और है, इतना क्यों इतराती है अपने चेहरे पे, इतना क्यों इतराती है अपने चेहरे पे पगली, मेरे मुझे मालूम है क्यों तू एक दिन में चार बार फेयर एंड लवली लगाती है। और? अब नहीं है। बस चलो। क्या नाम है आपका? रोशनी। क्या सुनाओगे? माँ के ऊपर सॉन्ग सुनाओगे। माँ ओ माँ पास बुलाती है, कितना रुलाती है, पास बुलाती है, कितना रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, वो आती है। जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएँ हैं। जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। डांस भी करोगे आप? चलिए। आप दोनों भाई बहन हैं? नो। अच्छा, क्या सुना रहे हो? माँ के ऊपर सॉन्ग। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ बन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ। चलिए वेरी गुड बेटे, बहुत शानदार है। क्या नाम है आपका? सानिया। क्या सुनाओगे आप? देशभक्ति सॉन्ग और डांस।
सुनाओ। सर है हिमालय जिसका, ओ सर है हिमालय जिसका, दिल गंगा की धारा है, वो देश तुम्हारा है, वो देश हमारा है, वो देश तुम्हारा है, वो देश हमारा। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? प्राची। क्या सुनाओगे आप? सॉन्ग और डांस सुनाओ। आसमां में जैसे बादल हो रहे हैं, हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं, मैं तो मर जाना है, बोना जो मिले आए, सांसें मेरी हैं उनके हाथों में, याद पिया की मेरे पिया की आने लगी भीगी भीगी रात। चलिए वेरी गुड बेटे। क्या नाम है आपका? अंशिका अग्रवाल। क्या सुनाओगे आप? मैं भजन और स्पेशल डांस। भजन सुनाओ। जीवन है तुम हारे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवा हे मुरलिया वाले, हम हैं कठपुतली तेरे हाथ की, काना तेरे हाथ की, हम हैं कठपुतली काना तेरे हाथ की, काना तेरे हाथ की, अब चाहे जैसे नचा ले मुरलिया ले, अब चाहे जैसे नचा ले मुरलिया। चलिए बेटे देखो ताली मिलेंगी आपको यहाँ पे, बहुत शानदार है। और कथक करके दिखा रहे हो आप? मैं कवर कर रहा हूँ। चलिए बेटे वेरी गुड। बहुत कॉलोनी ताली बनती है ना, बनती है ना, एक बार घर पे भी बैठ के। हाँ ये आओ मेला चले के लिए स्पेशल तैयारी है। अरे वाह इतने नन्ने नन्ने दोस्त। मैं नाटक भी हुआ हूँ और बहुत दूर दूर तक करा है। अरे वाह। अच्छा आप हमारे दोस्त हो ना, आप सब लोग गुड्डू भैया के दोस्त हो क्या? हाँ। जोर से बोलो। हाँ। ये फौज है, छोटे छोटे दोस्त है मेरे। चलिए अभी आपको मैं बहुत शानदार गिफ्ट देता हूँ। क्या कह रही है? इधर आ जाओ, आ जाओ, भाई साहब को नमस्ते करो। अरे इधर है, यहाँ पे। अबा, अबा। नमस्ते करो भाई साहब को, अच्छी तरह पैर पड़ो पैर। अबा, अबा। इधर है, इधर है, इधर है, आशीर्वाद लो, आशीर्वाद बड़ों का आशीर्वाद लो। अरे इधर है, चलो। क्या कह रही है? अबा है? ओए ये कौन है तेरी? कौन है ये दोनों तेरी? क्या ये कौन है दोनों? नहीं बहन नहीं है मेरी। अबे ये के तेरी दोनों बीवियां है क्या? हाँ शादी हो गई ना मेरी। हमारे पति है ना बहरे हैं, थोड़ा बहुत ऊंचे सुनते हैं वो। हाँ बहुत ऊंचे सुनते हैं। ये पत्नी है तेरी? हैं? पत्नी है तेरी ये? नहीं नहीं बोलती है, गूंगी है तो गूंगी है। कौन है ये? हमारे पति हैं। कौन? हमारे पति भी हैं। कौन है ये? कौन है कौन दोनों ये? नहीं खाना खा के आई है, पेट भरा हुआ है दोनों का। अरे मैं आपसे बोल रही हूँ, मेरे पति बहरे हैं, बहुत ऊंचा सुनते हैं वो। ये कौन है? ये क्या है ये? नहीं किसने बोला चोर है ये? नहीं नहीं है, अच्छी लगती है दोनों, खूबसूरत है। कैसे पति खूबसूरत रखते हैं तुम्हारे? गाली मत दीजिए आप। क्या बोला आपने कान में इनको? कैसे भी हम भालू है, हाथी है, आप गलत नहीं बोलिए इनसे। ये कहाँ क्या देख के शादी कर ली इनको? हाँ हाँ मैं ऑटो चलाता हूँ, क्या आप यही पूछ रहे हैं ना? आप ऑटो चलाता हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ मेरे पति बेरे हैं। आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई लव यू टू। ये क्या करते हैं आपके पति है? क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं? हाँ मेरे को तो ये बोल के शादी करी, बाकी पता नहीं है। कब पटाया तेरे को मैंने? क्या कह रही है मेरे को पटाया इन्होंने? इधर खड़ा हूँ इधर। क्या? अरे इधर खड़े हैं पीछे पीछे। अंधी। अच्छा इधर। अंधी। अरे इधर खड़ा हूँ। आवाज
मुझे तो बहुत अच्छा अच्छा आ, 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 आ। ये आ, मेरी दोनों तुम ये भी है ये रोड पे पड़ी थी शादी कर ली तेर से भी करी तेर से भी पतंग उड़ाएगी साफ साफ करेगी तो क्या करी मेरे को मारेगी तू मैं तुम्हारी तरह मैं भी साड़ी पहन के घूमू मोहल्ले के बच्चे ने तेरे को मारा है भगा भगा के तो क्या कह रही है ताश वास नहीं खेलते हैं बल्लो क्या क्या हाल तो चाहिए मैं नहीं पिला पाऊंगा कुछ भी नाला क्या कह रही हो गया क्या बोल रहा है आ आ आ आ कर रहा है जब से छत पे खड़ी है अपन क्या ये 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 दो बीवियां हैं तुम्हारी नहीं मेरी सास तो जिंदा है यही बोला ना इन्होंने मैं आपसे बोल रही हूँ मेरे पति मेरे बहुत ऊंचा सुनते हैं वो किस कौन पहनता है जूता पहनता हूँ मैं चप्पल पहन के घूमता हूँ ना गाना सुनेगी अच्छा ये अंधी है ये गूंगी है हाँ इसको पिक्चरों में काम मिल गया आपने सही पकड़े एकदम अच्छा और तुम बह रहे हो नहीं नहीं मैं तो यहीं आया था मैं कहीं गया ही नहीं और कहीं अच्छा बह रहे हो तुम नहीं मैं खाना वाना सब खाया पेट भरा हुआ है तो मतलब बह रहे हो नहीं आप मंगा लो अगर आपको कुछ खाने के लिए मंगाना मना नहीं है खा लेंगे हम लोग मतलब बह रहे हो ना नहीं नहीं पैसे वैसे की कोई बात थोड़ी है अरे बहरा है ना तू नहीं पैसे है बताओ कितने चाहिए नहीं वैसे बहरा है ना नहीं नहीं पापा है मेरे वो पीछे खड़े उधर इनके ससुर जी अच्छा बहरे उनका इलाज करना पड़ेगा आओ क्या गुलाब जामुन मंगा रहे हो हाँ बेहतरीन एकदम प्योर मावे के बिस्कुट नहीं गुलाब जामुन की बात चल रही है ना प्योर मावे वाले अच्छा लड़कियां लेके आएगी हाथों कटोरे में ऐसे तो बोला ना आपने एकदम शानदार और राप्चिक अच्छा ये कह रहे हैं गुलाब जामुन खाएंगे ना डांस करेंगे अच्छा इनका इलाज अलग टाइप से होता है अब देखो उसकी आवाज वापस आ गई होगी इधर आ बहरा है तू बहरा है क्या नहीं नहीं है? नहीं बहरा है नहीं ना बहरा है तू तो नहीं मैं तो मजाक कर रहा था नहीं ऐसी मजाक कर मैं, मैंने सब सुन लिया था इधर आप देखो दो सीधे आप सीधे आपने शुरू में पकड़ लिया दो तीन गलती कर ली थी मैंने ओए इधर आ आपने इधर आ देखा अरे अंधों पे हाथ नहीं उठाई आप तो एकदम उसको कैसे पता लगा चाटा पड़ा अबे यार चलो उतारो अपना ये सामान चलो निकलो यहाँ से क्या मतलब क्या ये मैं तो वो नीचे कुछ पड़ा हुआ था उसको चल तो पड़ा क्या उठाना तो दो चलो उधर कोई भी तेरे को लेके कौन आया यार मेरे को लेके यार वो चली गई इधर उधर अभी खड़ी तो थी यहाँ पे अभी खड़ी तो थी कहाँ गई ये खड़ी है दोनों इधर आओ तुमसे कह रहा हूँ ये लेके आई इधर आओ इधर आओ आप लेकर आए हो क्या किसी को भी तू किसी को भी तू ऐसे कौन मारता है बेलन जोके गिर गया मैं मार रहा हूँ तेरे को नहीं मारेंगे आप क्यों नहीं मारूंगा तेरे एक मिनट क्यों एक मिनट स्टैचू टिप टिप बरसा पानी पानी में आग लगाओ हाँ अंधे हम तो सुनते भी कम है मेरी बीवी अंधी है गूंगी आपको क्या करना बिगदू हाँ नहीं तो हल्के में ले रहे 80 किलो के आदमी को चाटा मार दिया तो डर जाऊंगा क्यों इधर आ गया हो ना इधर आओ ये 80 बात है ये मासी है ना मेरी उनने इनको घूरे से उठाया था कुछ कर
छेड़ ही नहीं पाओगे। आपने कहा तो छेड़ लोगे, मुझे छेड़ के दिखाओ। प्ले प्ले चिकन अनेलिया, रोशनी खान, तानिया, प्राची चौधरी, अंशिका अग्रवाल। ये वेरी गुड। ये विशाल विंडो कूलर छतरी नंबर एक पे है और शहर में ऊट पुल। आप तो क्यूट गर्ल हो, आपके लिए रख लो एक, आपके लिए स्लिप बेल मैट्रेस से। और ये विशाल विंडो कूलर जल्दी इधर। एक नया वो इंडक्शन आया, उसमें पीजे वाला है और उसमें बताइए और कोई गोल्डन लाइफ से जल्दी से हाथ खड़ा करो। छतरी नंबर तीन के पास इनके यहाँ हर तरह की मतलब वो मिल जाते हैं, इंडक्शन कुकर इनके यहाँ हर तरह, और इनके यहाँ माइक्रोवेव वाली भी आई है, माइक्रोलाइट प्लेट का। इनके जल्दी नया मॉडल कौन सा है? नया मॉडल गोवा विजेता का नाम कौन है जो बच्चा बता देगा? ब्रजेश शर्मा। और इनका क्या है? क्या वो कुकर मिलते हैं, इंडक्शन कुकर। एक आपके लिए रख लो। इसके बाद अनेजा मॉल बताओ। ये गांधी मार्केट ICICI बैंक के बगल। एक आपके लिए अनेजा मॉल से है। सिद्धि विनायक बताओ। चिटनेस की गो सावन वाली गली, इनके हर तरह की वो मिल जाती है, इनके फ्रेंड। एक आपके लिए रख लीजिए। कौन सी चाय है बताओ? पचमजली चाय, इसमें नई टी आई है, मसाला टी आ चुकी है। और इसके अंदर मसाला चाय के अंदर है दालचीनी, काली मिर्ची, लौंग, जावित्री, इलायची, जायफल, सूखी अदरक, बजार में उपलब्ध है। पद्मश्री मसाला चाय हिंदुस्तान में पहली बार, एक अनोखी चाय पद्मश्री से। एक आपके लिए कौन सा पोहा बताओ, जल्दी बताओ। ये ब्राउन निकलता है, हल्का सा ब्राउन, नेचुरल है ये। और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और देखिए मैं आपको और बता दूं, बाजार में नकली आ रहा है, सावधान रहे। ऊपर लिखा होगा हरी बाबू ताजमहल, समझ लीजिए वो ओरिजिनल है। बाजार में पता लगा ताजमहल कोई और आप खरीदना है, कहेगी बेकार है ना, हरी बाबू ऊपर पढ़ लीजिए, हरी बाबू का ताजमहल। कौन सा? ताजमहल, हरी बाबू का। और ये निरंकारी बेकरी बताओ बेटे। जनक गंज सिल्वर स्ट्रीट, इनके यहाँ बिस्कुट है। कॉल स्लोगन इनका, खुशियों के पल में उपहार। एक आपके लिए निरंकारी बेकरी से है। कौरव स्वीट बताओ बेटे, इधर से जिसको नहीं मिला है हाथ खड़ा करो, बताओ हाथ खड़ा किया कहाँ है कौरव स्वीट? माधवगंज। और क्या इनके? वो मिठाइयाँ हैं। एक आपके लिए कौरव स्वीट से, एक एक आपके लिए रखते जाओ। पद्मश्री चाय से एक एक बेटे आपके लिए, और एक आपके लिए बेटे आपको मिल गया। एक आपके लिए पद्मश्री चाय से, एक आपके लिए, और एक एक और आप सबके लिए मैं देता हूँ। निरंकारी बेकरी से एक आपको मिल गया है, एक आपके लिए निरंकारी बेकरी, एक आपके लिए है, आपके लिए भी बेटे निरंकारी बेकरी से, एक आपके लिए है, एक आपके लिए है निरंकारी बेकरी से, एक आपके लिए है, एक आपके लिए निरंकारी बेकरी से है, और एक आपके लिए। एक एक और बॉम्बे, ये कहाँ पर है ये मोबाइल वर्ड? फूलबाग गुरुद्वारे के सामने। एक एक आपके लिए, काय का कूपन है ये? ईयरफोन का। और इनका पुराना मोबाइल? एक आपके लिए है बेटे, सबके लिए है, एक आपके लिए भी है, आपके लिए एक, आपके लिए और आपके लिए। कौन सा शूज है ये? कहाँ पे मिलता है? और हर शॉप पर। एक एक आपके लिए है बेटे, एक आपके लिए, आपके लिए, एक आपके लिए, आपके लिए भी है, एक आपके लिए है। आपने तो सच्ची में अच्छा डांस किया है, सारे गानों पे आप डांस कर लेते हो। एक आपके लिए है, आपके लिए बेटे, एक आपके लिए है, आपके लिए, एक आपके लिए और है ताजमहल पोहा से। एक आपके लिए, आपके लिए बेटे, एक आपके लिए, एक आपके लिए, आपके लिए भी है ताजमहल पोहा से है। एक आपके लिए, आपके आपके एक एक आप दोनों के लिए, एक आपके लिए स्पेशल मेरे पास वेलकम बेकरी से, एक आपके लिए और है, एक और आपके लिए स्पेशल है मेरे पास। फाइन आर्ट स्टूडियो कहाँ पर? नई सड़क। क्या खासियत है? इनका फोटो अच्छा आता है, और जिनके बाल नहीं होते उनके बाल भी आ जाते हैं, और जिनकी शादी नहीं होती उनकी शादी फोटो सिलेक्ट हो जाता है। एक आपके लिए फाइन आर्ट स्टूडियो से, और रखिए एक आपके लिए रखो अनेजा मॉल से, एक आपके लिए भी अनेजा मॉल से, आपके लिए है अनेजा मॉल से, रखो बेटे आपके लिए भी है, एक आपके लिए अनेजा मॉल से है, एक आपके लिए भी है बेटे अनेजा मॉल से, मैं अभी सेट कराता हूँ आपके। एक आपके लिए भी रखो अनेजा मॉल, आपके लिए रखो अनेजा मॉल से, एक एक आप दोनों के लिए अनेजा मॉल के लिए और है। कौरव स्वीट्स माधोगंज से एक एक आपके लिए, एक एक आपके लिए कौरव स्वीट्स माधोगंज से है, एक आपके लिए एक आप दोनों के लिए, आपको बड़ा मिल गया। आपके लिए कौन सा मिनरल है ये? जोर से बोलो, गोल्डन लाइफ एक्वा। एक एक आपके लिए, बूंद बूंद में शुद्धता, गोल्डन लाइफ एक्वा। एक एक आपके लिए है।
एक आपके लिए भी बेटे, एक आपके लिए, एक एक आप दोनों के लिए। और सिद्धि विनायक ज्वेलर से एक एक आपके लिए बेटे, पकड़ते जाओ। एक आपके लिए भी है सिद्धि विनायक ज्वेलर से, आपके लिए है। एक आपके लिए सिद्धि विनायक ज्वेलर से, एक और आपके लिए स्पेशल है, यश मार्केट होटल नवरत्न के नीचे। एक आपके लिए स्पेशल और है यश मार्केट से, एक आपके लिए और सिद्धि विनायक से, सिद्धि विनायक से एक एक आपके लिए बेटे, एक आपके लिए है, आपके लिए भी है सिद्धि विनायक से, एक आपके लिए सिद्धि विनायक ज्वेलर से बेटे, एक आपके लिए सिद्धि विनायक से। नाम बेटे? पीयूष। एक आपके लिए गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से। नाम? फिजा। गोल्डन लाइफ से एक आपके लिए, क्या नाम है बेटे? गोल्डन लाइफ से रखो, क्या नाम क्या है? रखो गोल्डन लाइफ से एक आपके लिए बेटे। युवराज। कहाँ रहते हो? आम कोप है। प्रोग्राम देख रहे हो? एक आपके लिए रख लो गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, एक आपके लिए, क्या नाम है आपका? रख लो गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से आपके लिए। यहाँ से सीधे दोस्तों विशाल फर्नीचर शोरूम में चलिए। विशाल जी मेरे साथ हैं, मेरे पास एक जो प्रश्न आया विशाल भैया जी, भैया अगर मध्य प्रदेश के अलावा आपके यहाँ से अगर कोई स्लिप बेल का गद्दा लिया है, किसी के मदर फादर अगर मध्य प्रदेश से बाहर हैं और अपने मदर्स फादर्स के लिए कोई अच्छा गद्दा वहाँ भेजना चाह रहे हैं, तो क्या डिलीवरी दे देंगे? बिल्कुल भैया, ट्रांसपोर्ट द्वारा हम लोग कहीं भी डिलीवरी करा देंगे भैया। और मध्य प्रदेश में भैया? मध्य प्रदेश में तो हम लोग करा ही रहे हैं भैया, क्योंकि भिंड मुरैना डबरा दतिया ये तो भोपाल इंदौर तक भी हमारा माल जाता है। इसके अलावा भी कोई अदर स्टेट में जाएगा तो वो हम ट्रांसपोर्ट से उसको भी भिजवा देंगे। लीजिए, अगर आप अपने मदर्स फादर्स आपके आपसे दूर हैं रहते हैं आप, उनके लिए अगर कोई बढ़िया यहाँ पे फर्नीचर या कूलर अलमारी है, सब कुछ? बिल्कुल सब कुछ भैया पहुँच जाएगा, गाड़ी द्वारा भी जा सकता है और ट्रांसपोर्ट द्वारा भी जा सकता है, दोनों व्यवस्था हमारी। सब कुछ वहाँ पे बिल्कुल हो जाएगी भैया। और मेले के फायदे जल्दी से बता दीजिए, अभी मेले के फायदे क्या? भैया मेले के फायदे तो सबसे बड़े ये है कि एक तो वैरायटी आपको ज्यादा है, कैश डिस्काउंट है, 0% पे फाइनेंस है, एक्सचेंज ऑफर है, फ्री होम डिलीवरी ग्वालियर में है, तो ये सब फायदे मिलेगी यहाँ पे। अच्छा, ग्वालियर में कहीं भी फ्री होम डिलीवरी है, ग्वालियर के बाहर भैया? भैया फिर ट्रांसपोर्ट या उसके द्वारा हम लोग भिजवा देते हैं, उसमें भी आप कहीं ना कहीं बिल्कुल थोड़ा सा शेयर हमारा भी रहता है उसमें, लेकिन कर देंगे, कोई दिक्कत। लीजिए, आपने जैसा जानकारी मांगी थी मैंने विशाल भैया से ले ली है, फर्नीचर कूलर अलमेरा अलमारी और साथ में स्लिप बेल मैटर, ये संपूर्ण रेंज अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं कहूंगा आइए, छत्ती नंबर एक पर लगा हुआ है विशाल फर्नीचर, विशाल कूलर अलमारी और स्लिप बेल मैट्रेस का ये एक्सक्लूसिव शोरूम है। और अभी यहाँ पे कैश डिस्काउंट चल रहा है यहाँ पर और साथ में एक्सचेंज ऑफर है, पुराना भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आना पड़ेगा ग्वालियर व्यापार मेला छत्ती नंबर एक पर। और शहर में इनका है ही है ना, ऊट पुल हरिप्रिया कॉम्प्लेक्स जिनसी नाला नंबर एक, लेकिन ग्वालियर का व्यापार मेला छत्ती नंबर एक पर मिलेगा आपको विशाल फर्नीचर कूलर अलमारी एवं स्लिप बेल मैट्रेस का ये एक्सक्लूसिव शोरूम। दोस्तों यहाँ से शंकर सेल्स के सैमसंग शोरूम के अंदर ये यहाँ मेरे साथ शंकर सेल्स के संचालक पीयूष जी हैं, सुभाष जी के बेटे हैं। पीयूष भैया मुझे एक चीज़ में केवल जानकारी लूँगा, अभी मेले के फायदे लगभग शोरूम पे क्या हैं? जैसे शोरूम पे अपने सारे फायदे हैं, जो बेस्ट ऑफर्स हो सकते हैं, बेस्ट डिस्काउंट हो सकते हैं, उसके साथ में अपन कैशबैक स्कीम चला रहे हैं और जो गिफ्ट्स दे रहे हैं साथ में अशोर्ड गिफ्ट्स, वो अलग है। राइट, अगर कोई अपने पेरेंट्स को अपने रिलेटिव्स को जैसे शादियों का समय चल रहा है, कोई आउट ऑफ ग्वालियर या आउट ऑफ स्टेट अगर वो कोई गिफ्ट देना चाहता है तो क्या पॉसिबल है? जैसे महाराष्ट्र है, मुंबई है या दिल्ली है? बिल्कुल पॉसिबल है, हम कहीं के भी डिलीवरी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कहीं भी? बिल्कुल, मतलब गुजरात है, कहीं पे भी, कहीं पे भी आपको डिलीवरी इजीली मिल जाएगी। और मेले के फायदे यहाँ मिल जाएंगे? सारे मिलेंगे। अच्छा, सपोज यार किसी के जैसे अप्रैल मई जून में शादी है, वो फायदे लेना चाहता है तो बुक कर सकता है? बिल्कुल, आप थोड़ी सी अमाउंट दे दो, ज़्यादा अमाउंट मत दो, 500,000-2,000 की अमाउंट दे दो और हम आपके ये सामान बचा के रख लेंगे, जब आपको डिलीवर करना होगा तो हम आपको डिलीवर करवा देंगे, वो भी कहीं भी, वो भी कहीं भी। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और, कल दही जमाने वाला जो रेफ्रिजरेटर है, हाँ हाँ, ये सैमसंग में? हाँ, ये अभी सिर्फ सैमसंग में है, ये अभी किसी और कंपनी में नहीं आया, किसी और कंपनी में आने में अभी से 2-3 से 5 साल तो आराम से लगेंगे, क्योंकि वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी है। बिल्कुल। कैसे हो गया है सैमसंग ग्वालियर में नहीं मध्य प्रदेश में नंबर एक कैसे बन गया सैमसंग? सर एक तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, फीचर्स अच्छे हैं, प्लस उसने अभी अपने प्राइस अच्छे खासे ड्रॉप करे, जिस वजह से कोई भी लोकल ब्रांड लेने से अच्छा इंसान सैमसंग लेना प्रेफर करेगा। राइट, अगर आप भी चाहते हैं कि नंबर एक ब्रांड अगर आपके घर में हो, लोग आए और कहें कि नहीं प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, अगर वॉशिंग मशीन सालों साल साथ निभाए, रेफ्रिजरेटर सालों साल साथ निभाए, तो फिर नंबर एक सैमसंग, वो भी शंकर सेल्स के साथ ग्वालियर के व्यापार मेले में आपको मिलेगा। और ये छत्ती नंबर दो पे एक्सक्लूसिव शोरूम लगा है, वैसे शहर में इनका है ही ना, जिनसी नाला नंबर एक पर 10,000 square feet में बना हुआ शंकर सेल्स का शोरूम, लेकिन ग्वालियर के व्यापार मेला और एक्सचेंज ऑफर चल रहा है इनके, पुराना रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, एयर कंडीशनर या एनीवे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आपका अप्लायंसेस आप अगर चेंज करना चाहते हैं या कुछ भी LED वगैरह, तो आइए
और यहाँ पर आके इंक्वायरी लीजिए। आप कैशबैक यहाँ पर चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, बहुत सारे ऑफर्स का फायदा मिल जाएगा। अगर आपके मई जून जुलाई में शादी है तो केवल महज 500 से 2000 रुपए देके आप बुक करें और मेले के फायदे आप मई जून जुलाई तक उठा सकते हैं। लेकिन आना पड़ेगा ग्वालियर का व्यापार मेला, शंकर सेल्स का नंबर एक ग्वालियर के व्यापार मेले का नंबर एक शोरूम, सैमसंग क्षति नंबर दो पर। सीधे बाबा सूप कॉर्नर पर मैं फिर पूछूंगा, पैकिंग का रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? पैकिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है, अभी पूरी तरह से नहीं मिला है लेकिन लोग आने लगे हैं। पक्का है? पक्का है, और उनको कोई शिकायत नहीं आई हमारी पैकिंग में। और साथ में सॉफ्टी, सूप है, सॉफ्टी है और आपका मैगी है, मैगी है। और देखिए तीनों चीजें जो पैकिंग पर है, तीनों पैकिंग है। ये पैकिंग की सुविधा पहली बार ग्वालियर के व्यापार मेले में पैकिंग सॉफ्टी पैक करके, बिल्कुल सॉफ्टी पैक करके दी जाएगी और 2 घंटे गारंटी है, सॉफ्टी घुलेगी नहीं, बिल्कुल भी घुलेगी नहीं। मैं ले जा चुका हूं इसलिए मैं गारंटी ले लेता हूं। ये सॉफ्टी आपको देते हैं पैकिंग करके, घर पे आपको जाना है और जिस चीज में भी देंगे केवल ये कॉन जो है उसके अंदर आपको सॉफ्टी रखना है, केवल उसकी ऊपर की जो लेयर होती है बारीक सी वो नहीं बनेगी लेकिन टेस्ट वैसे ही रहेगा। आ रहे हैं ग्वालियर के व्यापार मेला और घर पे अगर आपका कोई रह गया है जैसे आप सोचते ना वो भी आ जाते, टेंशन फ्री, सॉफ्टी उनके लिए यहाँ से पैक करा कर ले जाइए। और साथ में यहाँ पर ये मुंबई की भेलपुरी, जी मुंबई की भेलपुरी है, ड्राई फ्रूट भेलपुरी है, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटियाँ मिलती हैं और स्पेशल ड्राई फ्रूट की चटनी मिक्स होती है भेलपुरी में। ये देखिए ये मिल तो आपको साल भर में कभी भी आएगी लेकिन मेले के टाइम जो स्वाद आता है इसका ये अनोखा है। ये तीनों कॉम्बिनेशन क्षति नंबर 3 पे मिलेंगे आपको, बाबा सूप कॉर्नर, सॉफ्टी सूप और साथ में शाही ड्राई फ्रूट भेलपुरी क्षति नंबर 3 पर। चलते यहाँ से धर्मेंद्र टी स्टॉल पर, पूछूंगा धर्मेंद्र भाई से, धर्मेंद्र भाई रिस्पॉन्स एकदम गुड भैया, बढ़िया। गर्मी में चाय लोग कम लेते हैं लेकिन शाम को जब कड़क सर्दी पड़ने लगती है तो भयंकर भीड़ होती है। पक्का है? पक्का है। विद्यारानी का सब, विद्यारानी ये जो मतलब बोलते हैं ना ये जो प्यारे दर्शक हैं यही विधायक बनाते हैं, यही सांसद बनाते हैं और यही इन्होंने ही मेरी दुकान आपके माध्यम से बढ़िया चलाई है। इस बार पक्का दुकान का जगह चेंज होने के बावजूद भी बढ़िया व्यापार था, बढ़िया भीड़ थी। 15 रुपए में समोसे कचौड़ी और वो भी शानदार और चाय और फिर एक और है ना आपको फायदा दे रहे हैं, 10 प्लेट समोसे कचौड़ी लेते हैं 1 प्लेट फ्री है, 10 चाय लेते हैं 1 चाय फ्री है, 10 कुल्लड़ वाली अगर कॉफी लेते हैं आप, 8 कॉफी में 2 कॉफी फ्री। हाँ कुल्लड़ वाली स्पेशल कॉफी हिंदुस्तान में सिर्फ मिलती है ग्वालियर के व्यापार मेला, वो भी क्षति नंबर 3 धर्मेंद्र टी स्टॉल पर। जायका लेने तो आइए क्षति नंबर 3 पर अपने धर्मेंद्र टी स्टॉल पर। रामकृष्ण परियार ग्वालियर। और आपका भाभी जी? सीमा परियार। सीमा परियार कहाँ रहते हैं आप? चंदवनी नाका। और आप? चंदवनी नाके। इतने शर्मा क्यों रहे हो? चंदवनी नाके। मैं तो केवल पूछ भर रहा हूँ आपसे, चंद्रवती नाके पे रहते हैं आप? हाँ जी। और आप भी चंद्रवती नाके पे रहते हैं? चलिए तो एक साथ आए आप लोग मिला। कहाँ है आपके ससुराल? कहाँ है? हमारी ससुराल विजयसन का मंदिर चंदवनी नाके। और आपकी ससुराल? पिछोर। पिछोर। मायका कहाँ है आपका? चंदवनी नाके। और आपका? पिछोर। कितना टाइम हो गया शादी को? 9 साल है। 9 साल हो गए? क्या बात कर रहे हो? सही बात है। विद्यारानी कसम खाओ। विद्यारानी कसम। आप खाओ विद्यारानी कसम। विद्यारानी कसम। फिर से खाओ विद्यारानी कसम। जोर से खाओ विद्यारानी कसम। विद्यारानी कसम। 9 साल। चलो तो आपने तो बुलाए होंगे वो फूफी ससुर के साले के लड़के शादी में। हाँ। इसलिए मैं कुछ पूछूंगा ही नहीं ना। चलिए कोई मिल के गाना सुना रहे? यही सुनाएगी। अरे देखो जब मेरी बात सुनो, तुम ठाकुर हो तो बहू ठकरा ही नहीं, ऐसा नहीं चलेगी घर ही घर में, सही है नहीं है? दादरा सुनाएंगे, दादरा सुनाएंगे, मिलके सुनाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। अच्छा चलिए। निभाना हो निभा लीजिए चरण में, आप के आई उधर मम्मी को छोड़ा है, इधर सासों को या है, निभाना हो निभा लीजिए चरण में आप। आज शर्मा गई भाई जी, तो देखो कैसी शर्माती रहती है क्या? अरे इधर आ जाओ, कहे शर्मा रही हो आप? अच्छा टीवी पे आप लोग प्रोग्राम देखते हैं? हाँ, टीवी कैसा लगता है? बढ़िया। सच्ची में लगता है पारिवारिक प्रोग्राम लगता है, मतलब झूठ तो नहीं? झूठ नहीं, पर डे देखता हूँ मैं, पर डे नाइट में, रोज देखता हूँ, रोज मोबाइल पे, मोबाइल पे भी देख लेता हूँ कभी कभी, वैसे टीवी पे ही पर डे देखता हूँ। टीवी पे तो देखती थी। वैसे कितने बच्चे हैं आपके? 2, एक लड़का एक लड़की। एक लड़का, तो फिर तो शादी हो ही गई होगी, क्या बात है, लड़का लड़की हो गया तो सरवारी भाजी इतना।
अब तो देखो मोड़ी मोड़ा है आप क्या का शर्माना, वो तो शादी से पहले की बात है शर्माना दुर्गुना। चलिए क्या नाम है साहब? गुलाब सिंह कुशवा। और आपका? कुसुम कुशवा। अच्छा आप कहाँ रहते हैं? आप जीवाजीगंज। और आप साहब? जीवाजीगंज। जीवाजीगंज में, वही जीवाजीगंज। हाँ जी। किस जगह? निबाजी खो हनुमान जी के मंदिर के पास में। अच्छा अच्छा जी जी। और आप? हम भी वही रहते हैं। अच्छा आप वही रहते हैं, आपस में पड़ोसी लग रहे हैं आप लोग? हाँ पड़ोसी हो सकते हैं ना। अच्छा पड़ोसी हैं आप? हो सकते हैं, हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं क्या पड़ोसी है क्या? नहीं। फिर पति पत्नी है? वो तो कह रहे पड़ोसी लग, पड़ोसी हो सकते हैं ना, हो सकते हैं। हाँ पति पत्नी भी हो सकते हैं। न्यायालय का रट्टा चल रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना। नहीं तो आपने बोला सही नहीं है भाई साहब, उन्होंने बोला हो सकते हैं, तो भाई देखो मेरी बात सुनो, न्यायालय का रट्टा होगा जब भी पड़ोसी बनोगे। जीवाजीगंज में पड़ोसी भी हो सकते हैं और पति पत्नी भी हो सकते हैं ना। अच्छा ये हाँ जी। और भी है क्या पति पत्नी? नहीं नहीं यही है और अलग से। आप ही बोल रहे हो साहब, हो सकते हैं, सकते हैं और है में अंतर आता है। बिल्कुल अंतर आता है ना। चलिए कितने बच्चे हैं आपके भाभी के? तीन बच्चे हैं। तीन बच्चे। और आपके साथ? तीन बेटे हैं एक बेटी है। तीन बेटे हैं आपके? हाँ जी हाँ जी। तीन बेटे हुए हैं? हाँ जी हाँ जी। तो ये अखबार में तो हमने पढ़ा नहीं। नहीं आपने देखा नहीं अखबार में क्या? हाँ नहीं। अच्छा। आपने बोला ना अभी तीन बेटे हुए हैं तो ये अखबार में नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं, देखा तो आप देख। चलिए कोई बात नहीं, प्रोग्राम देखते हैं आप। बिल्कुल। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जी। बिल्कुल। मिलके आज आप दोनों से क्या सुना रहे हैं जल्दी से कुछ है ना? अच्छा कोई सुना दो आप। दीजिए बहरा के। बिल्कुल सुनाओ 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 सुनाओ। बिने पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भई, अकी बिने पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भई, आकी कांटे भी लाया भैया किल पे भी लाया, कांटे भी लाया भैया किल पे लाया, बिंदिया रतन जड़ो भैया बिन पिए नशा हो। ये तुम्हारी बहन जी है ना? आओ बेका कह रही बिन पिए नशा हो जाता है। भैया तो आ गए। हाँ, बिल्कुल आ गए। तो भैया की सूरत देख के तो हो। अच्छा भैया की सूरत देख के नशा आ गया। क्या क्या दे आए हो बहन जी को? किल पे मिल पे क्या क्या बताई? किल पे सब लाते हैं भैया तो। सब लाते हैं ये भैया? मैं नहीं लाया कुछ भी। ये तो बोल रही है तुम्हारी बहन, बढ़ाई कर रही है तो क्या हुआ? बढ़ाई करने चाहिए भैया। अच्छा ये भैया है ना? है ना, साले से फाटा होता है ना। अच्छा ये बोलो साले। हां साले से फाटा होता है। ये जीजा जी है? ये दीदी है? ये जीजा जी है। अच्छा तो इतना का है, तुम डर का रहे? डर लगता है जीजा जी से। अच्छा हां बड़े है ना इसलिए डर लगता है। अच्छा बड़े इसलिए क्योंकि हर घर में मुंह बुला लेते बात बात पे। अच्छा घर में कोई काम होता नहीं है, शादी होती नहीं है। जाए साहब मैया मेरे से करवा लेते, ये मैं करवा देता हर चीज में, तो उनको वो लगता है। अच्छा हां बारात में भी? बारात में नहीं हो। अरे जीजा जी क्या हो गया भाई? आप बाजे वाले ठीक नहीं है, बैंड वाले ठीक नहीं है, मुझसे सलाह ले लेते, ऐसे करते हैं। ये जीजा सही कह रहे हैं। ये जीजा बुबाओं की आदत होती है। चलिए मैं भी आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देता हूँ। क्या नाम है बेटे आपका? सोनम सिसोदिया। कहाँ रहते हो आप? हम विजयपुर तहसील जिला श्योपुर। तो आप वहाँ प्रोग्राम कैसे देखो? हम यहाँ आए तभी से देख रहे थे, सो इसलिए मिले आए थे। अच्छा फिर वहाँ कैसे देखोगे? वहाँ तो नहीं देख पाते हैं, पर इधर ग्वालियर आते तभी देखते हैं। मोबाइल तो है ना? मोबाइल तो यूट्यूब पे भी तो चलता है। हाँ यूट्यूब पे पता नहीं था। क्या सुना रहे हो आप? लो चेतना गीत। फर्क नहीं बेटे बेटी में, फर्क नहीं बेटे बेटी में, समझो माँ के प्यारो ना बेटी मारो, हाँ ना बेटी मारो, भगवान के मत के आगे क्यों चलता जोर तुम्हारा, क्यों बनते पाप के भागी, बिल्कुल नहीं बेचारा, ममता की मूरत है बेटी, ममता की मूरत है बेटी, सच्चाई स्वीकारो ना बेटी मारो। बहुत शानदार है और आपकी वॉइस भी बहुत शानदार है। देखो आपको यहाँ तालियां तो मिलेंगी और एक बार घर पे बैठ के भी अच्छी आवाज है। हाँ साहब शादी वादी में जा रहे हो क्या? शादी में जा रहे हो? किसकी शादी में? रिश्तेदार है मामा की लड़की की। तो यहाँ काहे को आ गए शादी में? जहाँ मेले काहे को आ गए? गाना सुनाने। ये गाना सुनाने मेले में आ गए शादी वादी छोड़ के? कि कपड़े किसके मैंने आयो? अपने ही है, मेरे ही है। आपके नहीं है? भैया के मैंने आयो? मेरे है ना, भैया की शादी में लिए थे। भैया की शादी में लिए थे अभी। भैया की शादी में लिए थे आपने? जब तो चल ही रहे हैं। अभी 21 तारीख की शादी थी। अच्छा अभी 21 तारीख की शादी थी, जम तो रहे हो। क्या तुम्हारी भी शादी वादी वाले आ रहे हैं क्या? तुम्हें गर्मी नहीं लग रही इनमें? नहीं नहीं लग रही। तो क्या सुना रहे हो आप?
गाना सुना रहे सॉन्ग। अच्छा, क्या सोच के आयोगे गाना सुनाएंगे? वही से सोच के आयोगे घर से ही पक्का सुना दो। तू मेरी जिंदगी में इस तरह, ओए एक मिनट एक बार और इसको जल्दी से। तू मेरी जिंदगी में इस, हाय एक बार और तू मेरी जिंदगी में इस तरह, क्या अब आया, एक बार और यही। तू मेरी जिंदगी में इस, ये तू मेरी जिंदगी, एक मिनट ये तू मेरी जिंदगी, एक बार और। तू मेरी जिंदगी में, ओए एक बार और तू मेरी जिंदगी में, हाँ तू मेरी जिंदगी में इस तरह सा मिले। ओहो, ये आपने इस तरह जो लगाया ना, गजब है, एक बार और। तू मेरी जिंदगी में इस तरह सा मिल है, जहाँ भी जाऊं मुझे लगता है तेरे। क्या गाया है तिंदा, ऐसी टोली है, ये ऐसे गाते हैं ये? फिर से गाओ, एक और सुनाओ, दूसरा नहीं यही सुनाओ। तू मेरी जिंदगी में इस तरह, वो जो राइटर है ना इसका और जो म्यूजिशियन है, अगर उनने यूट्यूब पे ये देख लिया ना तो वो छोटी नहीं बड़े वाले हथौड़े से जो करेंगे। दूसरा सुनाओ, एक और सुनाओ। तू इस तरह से मेरी जिंदगी, भैया एक मिनट, प्यारे गीत को प्यारे तरीके से गाना चाहिए। वैसे मैं आपको धन्यवाद दे दूं, अभी झूला सेक्टर पे आपने ये गाना सुना था, जो आप लोगों ने मुझे थैंक्स बोला है, ये मेरी आवाज़ में ही गाना था जो आपने झूला सेक्टर पे सुना था। मैं, जो दर्शक पुराने हैं वो तो जानते हैं कि ये मैंने दिल्ली में एक स्टूडियो में ऐसे ही गा दिया था, मूड बना था, वन टाइम में गाया था, बिना ट्रैक के गा दिया था, बिना किसी मूड के गा दिया था। धन्यवाद कि आपको मेरे ऐसे व्यक्ति की आवाज़ भी पसंद आई थी, वही गाना। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊं लगता है तेरी महक। नमस्कार भाई साहब, धन्यवाद। आज का आकाशवाणी केंद्र ग्वालियर यही समाप्त होता है। अब अगली बिना का रात्रि फिर चालू होगी। क्या नाम है आपका? रीना खान। क्या सुना रहे हैं? कव्वाली। अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरानी का, बंदों के वास्ते है सहारा कुरानी का। अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरानी का, सुन ले तुझे बताती हूँ आयत कुरानी की। तू जानता नहीं है हकीकत कुरानी की, मुल्तान में रहती थी एक अल्लाह की प्यारी, और उसके साथ रहती थी एक नन्ही नवासी। हर रोज वो करती थी तिलावत कुरान की, वो हाफ़िज़े कुरान थी, नानी सी जानी थी। बख्शा खुदा ने था उसे तोहफा कुरान का, अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा। चलिए बहुत शानदार, आपकी आवाज भी अच्छी। कहाँ रहते हो आप? महलगांव रहते हो, प्रोग्राम देखते हो? हाँ। अकेले या पूरा एरिया? सब लोग देखते हैं। हंसी मजाक, मतलब हंसी आती है? हाँ, चलिए। क्या नाम है आपका? हेमलता। कितने सरवारी है भाजी आपके, है तो क्या सुनाओगी आप? भजन सुनाओगी? हाय राम, आप भजन सुनाओगी? हाय राम देखो तो सही, तो भजन सुना। चलिए मैं बोल दूं, आइए एक दो मिनट के लिए चलते हैं, क्योंकि भाभी जी आदरणीय हमारी भजन सुना रही, आइए। मेरी लगी श्याम संग प्रीति जी दुनिया क्या जाने, ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीति जी दुनिया क्या जाने कोई क्या जाने मुझे मिल गया मन का उम्मीद जी दुनिया क्या जाने। चलिए बहुत शानदार है, कहाँ रहते हो आप? रोशनी घर इंदरगंज। हाँ इंदरगंज। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे तीन बच्चे हैं मेरे, तीन बेटे हैं। बेटी नहीं है? नहीं, यही दुख है, बेटी नहीं है। हाँ, ये दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। सच्ची बता रहा हूँ, सच बता रही हूँ बात। मसी मेरे लड़की का बहुत दुख है, लड़की नहीं है मेरे, लड़की है। बेटी तो होनी चाहिए, लगता है ना परिवार घर को चहकाती रहती है, एक बेटी आई बहुत, यही दुख, लड़की नहीं है। कोई बात नहीं है, आप किसी के पास ज्यादा बेटी हो
आप ले भी सकते हो बहुत या किसी गरीब की बेटी को अपनी बेटी मानकर उसका पालन पोषण कर सकते हो आप। यही सोचा है। हाँ, अगर आपके पास बेटी नहीं है ये भी पुण्य का काम है, किसी गरीब की बेटी की जिम्मेदारी आप ले लीजिए तो समझ लीजिए आपने अपनी बेटी का मतलब भरण पोषण किया है, ठीक है कि नहीं है। लेकिन शादी हो गई आपकी? चलिए, कार्यक्रम कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। देखते सारे दिन टीवी चलती है, बच्चे देखते रहते हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? ममता। कहाँ रहते हैं आप? नई सड़क पर। नई सड़क पर रहते हैं? नई है या पुरानी है वो सड़क? नई सड़क है वो। नाम नई सड़क अभी नई नई बनी है? हाँ नई बनी है अभी, बहुत पुरानी है वो तो। चलिए, क्या सुना रहे हैं आप? लोकगीत सुना। लोकगीत। तूने सारी कमाई गमाई रसिया, गमाई रसिया, अदालत में दावा करूंगी रसिया। पान न बीड़ी तुझे पीने न दूंगी, पान बीड़ी तुझे पीने न दूंगी। पीपल का पत्ता खवाऊ रसिया, खवाऊ रसिया, अदालत में दावा करूंगी रसिया। कॉपी ना दूध तुझे पीने ना दूंगी। चाय बना के पिलाऊं रसिया, पिलाऊं रसिया, अदालत में दावा करूंगी रसिया। होटल में तुझे मैं खाने ना दूंगी, होटल में तुझे मैं खाने ना दूंगी। हाथों से बना के खिलाऊं रसिया, अदालत में दावा करूंगी। चलिए, वेरी गुड, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। चलिए, ये आज पंकज शास्त्री जी, ओए भैया देखिए आज है नहीं पंकज। दीक्षाओं के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि दीक्षा को कैसे संभाले। और बाबू, चलिए मैं बता देता हूँ, पंकज जी ने जो मुझे बताया है, आज वो एक बहुत जरूरी इमरजेंसी काम से कहीं अटक गए, लेकिन उन्होंने एक जो उपाय बताया है, अक्सर आपने देखा है घर से जब आप निकलते हैं अचानक किसी से आपकी बिना गलती के लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, फिर आप बोलते हैं कि आज सुर सही नहीं चल रहा था। ये सुर क्या होते हैं वो आज आपको मैं बता देता हूँ, पंकज जी ने जो मुझे बताया है। सुर होते हैं हम जिस नाक से सांस लेते हैं, ये सुरों में गिनती होती है, सुरों में इनको माना जाता है। जैसे आप सपोज देर ये ऐसे हाथ रखिए और सांस लीजिए, आपका कोई भी एक नाक से सांस ज़्यादा आ रही होगी, अगर दोनों से ऐसे बराबर से ज़्यादा आ रही है, बराबर आ रही है, तो समझ लीजिए कि आपका सुर ठीक नहीं चल रहा है, रुक जाइए, दो मिनट के लिए रुक जाइए। आप घर से बाहर निकलते वक्त आप देखिए इधर से या इधर से, आपने देख लिया कि राइट साइड का सुर आपका सही चल रहा है, विन्दास होकर निकल जाइए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी जीत निश्चित है जिस कार से आप जा रहे हैं। और बाईं तरफ का सुर अगर आपका ठीक चल रहा है, तो अगर आपको किसी से पैसा चाहिए या कर्जा चाहिए वापस, तो हो सकता है कि आपको अच्छी खुशखबरी मिले। और दोनों सुर चल रहे हैं तो प्लीज आप घर से ना निकलिए, बोलते ना सुर खराब, ये सुर वहां से खराब हो जाता है, तो इस चीज का आप सुर ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको बहुत इमरजेंसी निकलना है तो आप किसी भी एक साइड में थोड़ा सा झुक जाइए, आपका सुर ट्रांसफर हो जाएगा, दोनों सुर चलना बंद हो जाएंगे। आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, फायदा हो तो पंकज शास्त्री जी को धन्यवाद दीजिए। नाम? मुस्कान। और आपका? संजना मित्तल। दोनों सिस्टर? हाँ। चलिए मिलकर क्या कर रहे हैं? शायरी की शायरियाँ। शायरियाँ दीजिए लपक के, जल्दी जल्दी। आंसू तुम्हारे निकले तो आंखें मेरी हो, दिल तुम्हारा धड़के तो धड़कन मेरी हो, खुदा करे हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो, सड़क पे लोग तुम्हें पीटे और गलती मेरी हो। वेरी गुड, आने दीजिए। आंधी तूफान से तो बोर रहते हैं, जिनके दिल में और बसते हैं, जिनके दिल में बाबू भैया बसते हैं, वो तो मौत को देखकर भी हंसते हैं। वाह, और आने दो। दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, दोस्ती वो है जो मुस्कान देती है, सच्ची दोस्ती वही है जो पानी में गिरा उसको भी पहचान लेती है। वेरी गुड। और दोस्ती प्यार करोगे तो परेशान रहोगे, शादी करोगे तो उदास रहोगे, लव करोगे तो देवदास रहोगे, और हमसे दोस्ती करोगे तो बिंदास रहोगे। और हमसे दोस्ती करोगे तो बिगड़ जाओगे, और नहीं करोगे तो किधर जाओगे। वेरी गुड। और मासूम मेरा फेज है, किलर अपना स्टाइल है, एटीट्यूड तो अपनी अदा है, दुनिया दो दुनिया दुश्मन भी फिदा है। चलिए वेरी गुड। और मेरा एटीट्यूड मेरे आगे चिल्लर है क्योंकि हमारी स्माइली इतनी किलर है। वेरी गुड। कहाँ रहते हो आप लोग? थर्ड फ्लोर चौहान पे। आप चौहान पे आओगे? कैसा लग रहा है प्रोग्राम? बहुत अच्छा। सच्ची में एक मैं आपको काम की चीज बताऊं, 300, 400, 500 करोड़ रुपए लगाकर एक सवा दो घंटे की पिक्चर बनती है आजकल। हाँ। बनती है ना, कितने पैसे लगते हैं? 300, 225 करोड़ रुपए। हाँ। और हम लोग तो एक कैमरामैन, एक माइक, एक अकेला मैं रहता हूँ, ये हमारी पूरी टीम,
मिलके हम लोग सवा दो घंटे का प्रोग्राम बनाते हैं, वो भी आप लोग पूरा देखते हो ना? हाँ, पूरी देखते हैं ना सब लोग पूरा, सभी लोग तो देखो ना, विद फैमिली देखते हैं ना। अब ये देखिए आपको सब पिक्चरों के बराबर चल रहा है, आओ मेला चले। डांस कौन कर रहा है आप में? मैं कवर करता हूँ। क्या कर रही है? जाने बुलाओ प्रोग्राम में। आज का शो जिसका नाम है कौन बनेगा टेसू। ओहो वाह, आज हमारे साथ टेसू तो तू लग रहा हूँ। ओ वाह, ओ बस उतारू नहीं, ए मंजली चुप भैया। भैया बात कर रहे हैं ना? करो। आज हमारे साथ गांव से पधारे हैं लल्लन भाई दद्दा। लल्लन को आप गरीब को राम राम, मेरी तरफ से और इनकी हमारी अम्मा की तरफ से राधे राधे, बाप की तरफ से जय श्री राम, बाबा के बाप की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, मौसी की तरफ से छोले भटूरे, और इनकी पत्नी मंजली मंजली मंजली, और मंजली की तरफ से आप सभी को यही नाम ले सकते हैं बस, ठीक है? ए मंजली बात कर रहा हूँ ना, मंजली की तरफ से आप सभी को अग्रे नहीं तो? समझेगी नहीं तेरे पूछे अनएक्सेप्टेबल है। क्या क्या होता है ये? हिंदी में बात कर रहा हूँ, ये सहन नहीं किया जाएगा। तो क्या सहन करेगा? थबर्रो नहीं तो वो का जूतो थबर्रो मुंह तो धोते हो, ये माता पिता की गलती गलती मतलब पागल आदमी दूसर सो तेरी कसम, हमारे गाँव में तेज से अच्छा तो कुत्ता लगा दे। ओ बड़ा वाले ना कालू वाले, हाँ वो कालू 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 वो दो रोटी लेके कत्तो करियो करियो। अब सवाल पूछ, पहला सवाल आपकी एक घास मंडी की घास, तो एंकर किसने बनाओ? मैं खुद एंकर हूँ। चश्मा उतार के तो बात कर ले, स्टाइल है ये। तू एंकर चश्मा उतार तो नास पीटो सो लगते हैं नास पीटो, तेरा शासानी निकलना नहीं। ओ मतलब तू दो तीन महीना के साथ में घूम के एंकर बन गया, अपने आप को एंकर समझ रहा हूँ? तू पहले अपने बॉस से बुला के ला। मैं खुद बॉस हूँ तेरी कसम, तेरी पीछे लकड़ी लगा दे तो झाड़ू लगे तू पूरा भाई। वाह, सवाल पूछ, आपकी पगड़ी में कितने सितारे हैं कि आप खुद सितारे हैं? ये नेक नेक पास आई हो, ते बाप की पगड़ी है। एक मिनट इधर आई हो, मैं ही पूछ सकती हूँ बस। ए मंजली, तू हाथ नहीं उठाएगी मरद पे? तो ये प्यार हो जाएगा बस ये? ये ना हाथ उठाने में तू अच्छा नहीं लगता। एक मिनट मंजली, ते पागल है गई का? सवाल का जवाब दीजिए। आप पल्लू डाल, पल्लू डाल, ओ पल्लू डाल, बड़े भाई सब बैठे। ओ आपकी पगड़ी में कितने सितारे हैं? आप सारे मंजली ठीक है? आपकी पगड़ी में कितने सितारे हैं कि आप कुछ सितारे हैं? देखो अंकल कौन नहीं बनाया, एक मिनट मंजली खड़ी हो, जाए साइड में दवाई अपने साइड में, ए साइड में जा, जब मर जा कुटन के मारे टेसू। सवाल का जवाब, जवाब सवाल पूछ, आपकी पगड़ी में ओ कितने सितारे हैं? आप एक मिनट, ओ क्या कर रहा तू? स्टाइल है ओ, नेका सूती जाए दियो कान पे, जा बनाओ किसने अंकर, जा की नास बिठाए देगा नेके, बैठ नीचे, नीचे बैठ, ओ नीचे बैठ, आते हो पालो सही पड़ो गांव वाले, जाके बाल किसने खड़े करे जो जो नाई को जाने पूरे पैसा ना दे, हमारे गांव में आ जाना, मैं पूरा सेतर चला दूं सर। ए मंजली मार, एक मिनट इधरा, तेरी कसम, तेरी कसम मुर्गा बनाई जाए तो मुर्गा, बाप कसम दे पटिया वाले बाबा की दे जा में, दे 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 मार ना ये पटिया वाले, भाग निकल जा से, हो गया काम, सात कोड़ी को एंकर बन रहा है यहाँ पे, दिख मत जाइयो गली में, आज कल को बन गए तो अपने आप को क्या समझ रहे हो? सो कर रहा सो, कहीं जाके दो घंटा सो, पहले फिर करिए सो, मुड़ कर आप कर दो जी जी चले तेरी कसम में लठ मार दो तो मैं, ये मंजली ओ तू कंबू लगे रे, चल ले डंडी पकड़ ले, मेरी लुंगी टाइट कर धोती, हट
भाई साहब नेक कटर पटर नहीं क्या करेगा तू कटर पटर वो जानते नहीं आप क्या 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 करेगा तू हमारा गांव हमारी ऊंची पहुंच हमारी तू क्या करेगा बे पापा हमारे धरपंच और सरपंच है नहीं तो तू मैं ही बात बता आओ गांव से आओ और गांव से आओ तू मैं जाओ गांव से आ कौन गांव से आओ तू जे बोईवारो से हां बोईवारो और ते मेरे को ये बात बता आओ तू गांव से काय में बैठ के आओ मैं हां बोलोगे तो नहीं किसी को काय काय बोलेंगे बैलगाड़ियों में अब बीच में तो ना आएगा तू साइड से आ जाऊंगा काय आएगा तू साइड से काय तुम रोकोगे का मैं ना आऊंगा बाप कसम पक्का बोल रहा हूं पक्का हां बीच में ना आइयो तू साइड से बीच में ना आइयो हाथ में ना चलाई भाई साहब चलाएंगे हम एक मिनट फिर चलाएंगे ओ ले चार मत दे ले पांच ले छह ले सात आठ नौ दस चार बारह बारह छोटे ले एक और इस देख तो मैं दद्दा ने भी नहीं मारे ले ओ पूरा परिवार के नारे हो ना जे ले इससे कैचू अरे कीने फेंक दो जार सही बताऊं भाई हमारी टोपी की चिंता है रही इनको राम राम पीले पीले जना मित्तल और आपका मुस्कान मित्तल वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कूलर जल्दी दे छतरी नंबर एक उनके अलमारी रखिए एक आपके लिए है ये विशाल विंडो कूलर जो है एक गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर छतरी नंबर तीन पर इनके आप ना एक जीएल 20 और जीएल 19 है शायद और इनके यहाँ पर एक इंडक्शन है जिसके ऊपर दो दो रजिस्टर रखे हैं एक आपके लिए रख लीजिए ये है रखिए आपके लिए अनेज मॉल प्रोग्राम देखते हैं ना अनेज मॉल कहाँ पर है बताना पड़ेगा बताइए गांधी मार्केट के सामने आईसीआईसीआई पास एक आपके लिए साड़ी कितने रुपए से चालू है 250 रुपए से लेके 199 से है एक आपके लिए अनेज मॉल से है सिद्धि विनायक ज्वेलर सिद्धि विनायक ज्वेलर चिन्नीस की गोट सावन वाली गली वो दो चार दुकान छोड़ के अंदर है अंदर एक आपके लिए रख लीजिए सिद्धि विनायक ज्वेलर से है पदम श्री चाय नए बाजार में है आरडी करके नई बाजार में नई चाय आ गई है जी वाली है मसाला चाय मसाला आ चुकी है मसाला चाय मेरी गारंटी है हाँ आप इसके मुरीद हो जाएंगे जो भी मसाला चाय पी लेगा इसका मुरीद हो जाएगा एक आपके लिए पद्मश्री चाय से है और कौन सा पोहा है ताजमहल पोहा क्या खासियत है ये अच्छा बनता है बढ़िया अच्छा बनता है बढ़िया शॉप पे मिलता है शॉप पे मिलता है हर शॉप पे मिलता है लेकिन असली हरी बाबू का ताजमहल पोहा है बाजार में नकली आ रहा है ध्यान रखिए असली हरी बाबू का ताजमहल पोहा एक आपके लिए रख लीजिए एक कहाँ पे निरंकारी बेकरी माधुगंज चौराहे जरंगंज और सिल्वर स्टेट क्या है इनके और बिस्किट है नमकीन है और नमकीन बहुत अच्छा है और क्या ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं एक आपके लिए निरंकारी बेकरी से एक आपके लिए आप बाहर से है ना हाँ। चलिए कोई बात नहीं कौरव स्वीट है यार स्वीट की शॉप है ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं लगभग 250 तरीके की मिठाई है और शुगर फ्री भी मिलती है एक आपके लिए है तो बता दीजिए यश मार्केटिंग हाथ खड़ा कर लीजिए यश मार्केटिंग मैं पूछ लूंगा चलिए इधर बताओ नवरत्न होटल के नीचे यस मार्केटिंग के यहाँ छोटी बहू आई है ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन आई है आपके लिए ये जंपिंग हाँ ये डिजिटल है टोटल ये लगभग बाजार में 500-700 रुपए की मिलती है लेकिन यहाँ तो आप ग्रुप में खड़े रहते हैं मैं केवल ऐसे हाथ उठवाता हूँ आपको दे देता हूँ इसमें आप पूरा टाइमिंग देख सकते हैं कितनी देर आपने जंपिंग कर ली है एक आपके लिए एक एक आपके लिए पद्मश्री चाय से आपको मिल गया एक आपके लिए आपके लिए आपके लिए पद्मश्री चाय से एक आपके लिए है एक आपके लिए पद्मश्री चाय से है एक आपके लिए भी एक एक और आप सबके लिए मेरे पास यहाँ पर है निरंकारी बेकरी से एक आपके लिए है एक आपके लिए है निरंकारी बेकरी से रखिए आपको बड़ा मिल गया आपके लिए है निरंकारी बेकरी से एक आपके लिए एक रखिए एक आपके लिए एक एक और है ये कहाँ पे मोबाइल वर्ड गुरुवारे के सामने ठीक है ये एयरफोन का कूपन एक आपके लिए है आपके लिए भी है एक आपके लिए एयरफोन का कूपन एक आपके लिए है फूलबाग गुरुद्वारे के सामने और पुराना मोबाइल एक आपके लिए है ये ले जाइए और एयरफोन आपको वहाँ पे फ्री मिलेगा आप दोनों लड़ना नहीं आप दोनों के लिए अलग अलग और आपके लिए रखिए ताजमहल पोहा आपने इस्तेमाल किया है नहीं किया इस्तेमाल करने को दे रहा हूँ लेकिन बाजार से मंगाएं तो ध्यान रखना हरी बाबू का ताजमहल पोहा यही ओरिजिनल है एक आपके लिए रखिए ताजमहल पोहा से आपके लिए आपको मैंने बड़ा दे दिया है
एक आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए है। कौन सा है? हरी बाबू का ताजमहल पोहा एक आपके लिए। और अनेजा मॉल एक आपके लिए भी रखिए, एक अनेजा मॉल से रखिए, एक आपके लिए, आपके लिए भी अनेजा मॉल रखिए, एक आपके लिए अनेजा मॉल से, एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी अनेजा मॉल से, ये भी अनेजा मॉल से, एक एक और है। रिराज शूज शिल्पी फुट भी है हर दुकान बाजार में, हर चौक पे मिलता है। एक एक आपके लिए रिराज शूज से और है, आपके लिए है, एक आपके लिए, सॉरी मैं उठा के दे रहा हूँ, आपके लिए एक एक, आप दोनों के रखते जाइए। कौरव स्वीट कहाँ पर? माधवगंज। कुछ खाया वहाँ पे? अभी कुछ। अरे मंगा के खिला दो भाव जी को, इनके मतलब की बहुत चीजें हैं। एक आपके लिए, आपको बड़ा मिल गया है, एक आपके लिए, आपके लिए, आपके, आपके और एक आपके लिए। गोल्डन लाइफ एक्वा से एक एक आपके लिए, और मिनरल आरो गोल्डन लाइफ एक्वा से एक आपके लिए, आपके लिए, एक आपके लिए भी है। गोल्डन लाइफ एक्वा से एक आपके लिए, एक आपके लिए है, एक आपके लिए, गोल्डन लाइफ एक्वा से एक एक और है यहाँ मेरे पास, आप सबके लिए है। 500 रुपए पैसा देखते ही हंसी। बॉम्बे नोबल्टी की पैलेस बलवीर भाई की शॉप से एक एक आपके लिए, एक आपके लिए। अभी शादी में जा रहे हो ना, लिफाफे में रख के मत दे देना। हाँ, एक एक आपके लिए है, ये 500 रुपए एक आप दोनों के लिए। कहाँ पर चलेगा जी? एक आपके लिए है, 500 रुपए है। और आपके लिए शंकर से इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा शोरूम कौन सा है? शंकर से। इस बार ग्वालियर व्यापार मेले में नंबर एक कौन सा है? सैमसंग। कौन सा है? सैमसंग नंबर एक। एक आपके लिए, आपके लिए भी है। शंकर सेल्स से एक आपके लिए, आपके, आपके, एक आपके और एक आपके लिए। रखिए सिद्धि विनायक ज्वेलर से एक एक आपके लिए और रखिए, एक आपके लिए सिद्धि विनायक ज्वेलर से है, सिद्धि विनायक ज्वेलर से एक आपके लिए और रखिए, एक आपके लिए सिद्धि विनायक से है, रखिए, एक आपके लिए भी सिद्धि विनायक से, एक आपके लिए, एक आपके लिए भी रखिए सिद्धि विनायक ज्वेलर से। इधर क्या नाम है आपका? रखो गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से बेटे, नाम? प्रिंस। गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से बेटे एक आपके लिए, इधर उपाल बाबूजी नाम क्या है आपका? शरद कुमार। रखिए गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से एक आपके लिए, क्या नाम है आपका? गौरी। प्रोग्राम देख रहे हो? हाँ। रखो गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से एक आपके लिए, क्या नाम है आपका? रश्मि। एक आपके लिए रख लो गोल्डन लाइफ से, क्या नाम है? फिजा खान। प्रोग्राम देख रहे हो? आपके लिए गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, इधर क्या नाम है भाभी जी? सीमा। प्रोग्राम देख रहे हैं? आपके लिए गोल्डन लाइफ से, तो यहाँ से सीधे गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर शोरूम के अंदर चूंगा। रिस्पांस कैसा आ रहा है गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर? सर बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, शानदार, बिल्कुल बहुत शानदार आ रहा है। जो भी प्यारे दर्शक हैं आपको प्यार दे रहे हैं? बिल्कुल सर, बहुत सारा प्यार मिल रहा है। और एक्वा के बारे में, गोल्डन लाइफ एक्वा के बारे में बताइए। सर गोल्डन लाइफ एक्वा के बारे में अगर बात करूँ तो बूंद बूंद में शुद्धता। गोल्डन लाइफ एक्वा वाटर हमारा एडिट मिनरल का बहुत टॉप मॉडल लॉन्च किया है पानी में, जो कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर ग्वालियर में संपर्क करना चाहें तो हमारे एमडी सर श्री एसएस पारासर जी से संपर्क कर सकते हैं, जिनका नंबर है 888-9552-05। इस नंबर पे आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। 888-9852-05। इस नंबर पर अगर आप भूलते हैं तो टेंशन फ्री रहिए, यूट्यूब पे आप धीरे धीरे वीडियो देखिए नंबर। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, बिल्कुल सर, गोल्डन लाइफ एक्वा के, जी सर, बिल्कुल। 200 ml, 500 ml और 1000 ml। चलिए, लेकिन गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर आपको यहाँ पे दे रहा है एक इंडक्शन के साथ में 5 बर्तन ये, और साथ में एक्सचेंज ऑफर चल रहा है अभी, यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। अगर आपके पास कोई पुराना इंडक्शन कुकर है, एक्सचेंज करना चाहते हैं, उसके बदले में नया लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप पुराने इंडक्शन का आपको मतलब 500 रुपए से 1000 रुपए तक, पुराने एक्सचेंज का 500 से 1000 रुपए तक फायदा बिल्कुल मिल सकता है। साथ में मिलेगा आपको नई टेक्नोलॉजी वाला ट्रिपल सेंसर वाला ये गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर आपको। 5 बर्तन अभी साथ में फ्री है, बिल्कुल सर, 5 बर्तन फ्री हैं। यानी बोला जाता है स्मार्ट घड़ियों की स्मार्ट बर्तन गोल्डन लाइफ इंडक्शन। और कितने सालों का विश्वास? 16 सालों का विश्वास। ये मिलेगा आपको 36 नंबर 3 से कश्मीरी गेट के बीच में, आप जब जाते हैं तो आपको मिल जाता है गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर का ये शोरूम। और साथ में है ना, एक बार खरीदे 5 बार जीते, और नई भी खरीदे घूमते घूमते अगर आप आते हैं, एक अगर कूपन डालते हैं तो आप विजिटर ड्रॉ में एक ट्रॉली बैग जीत सकते हैं, साथ में 5 उपहार, पहला एक डीवीडी प्लेयर, दूसरा 10,000 का कैश अवार्ड, तीसरा गोवा ट्रिप, चौथा आपको शानदार एक पल्सर बाइक, और 5वां गोवा थाईलैंड सिंगापुर थाईलैंड मलेशिया जाने का अवसर यहाँ के एमडी एसएस पारसर जी के अनुसार। ये सारी आपको फायदे मिल रहा है एक खरीद पर, और ये मिलेगा आपको 36 नंबर 3 और कश्मीरी गेट के बीच में, और इनका खुद का सिटी सेंटर पटेल नगर में वसुंधरा टावर में 2nd फ्लोर पर सर्विस सेंटर। लेकिन ग्वालियर के व्यापार मेला 36 नंबर 3 कश्मीरी गेट के बीच में मिलेगा गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर का ये शोरूम। तो यहाँ से सीधे 36 नंबर 10 बॉम्बे नोवल्टी की पहले बलवीर भाई की शॉप पर। बलवीर भाई, वो आजकल जिनके स्मार्ट टीवी नहीं है जी जी। वो स्मार्ट टीवी बनाने के लिए कोई आया है क्या आपके पास इंस्ट्रूमेंट? हाँ, ये आया, बहुत अच्छा आइटम है ये, आपको है ना स्मार्ट टीवी बनाने के लिए बहुत अच्छा आइटम आया। घर में जिनको स्मार्ट टीवी नहीं होती है, ये सर्च करने के बाद आप मोबाइल दूर लेके बैठ कर आपको जो भी चलाना हो
प्रोग्राम देखना हो, कोई प्रोग्राम यूट्यूब देखना हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दूसरी चीज एक और मैं आपसे काम की पूछूंगा कि कोई भी जैसे ब्यूटी पार्लर का सामान है या कोई भी ऐसी चीज है जो बाजार में नहीं मिलती है, बच्चों की छोटे गाड़ियां हैं या कोई भी ऐसा आइटम जो नहीं मिलता है किसी को बाजार में, सर्च करके अगर कोई इंटरनेट से सर्च करके अगर आपको बता दे तो आप अवेलेबल करवा दोगे? मैं बताना चाहता हूँ गुड्डू भाई, आपने बहुत अच्छा पूछा मेरे से। मैं बता, जो दर्शक देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या गाड़ियों के मॉडल हो, जो आपने मॉडल अगर कहीं देखे हैं या नेट से सर्च किए हैं या ब्यूटी पार्लर की रेंज हो, इलेक्ट्रॉनिक कोई एक्स वाई जेड कोई भी आइटम हो, वो हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे। आप सर्च करोगे उस रेट से डाउन रेट में हम दे पाएंगे, दे देंगे आप। और नंबर बताइए अपना मोबाइल नंबर। 9329445995। 9329445995 9399 5995 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999 5 9999
यूट्यूब पर जाएं, धीरे धीरे प्रोग्राम देखें, यूट्यूब पे से नंबर आपको सीधे तरीके से मिल जाएगा। लेकिन इन सब के लिए फिर आपको यहाँ आ सकते हो, तो आ जाइए छत्ती नंबर दस बॉम्बे नोबल्टी की पैलेस, या डीडी मॉल में इनके खुद के तीन शॉप है। जी डीडी मॉल में शॉप है अपने। अभी मेले में हम लोग बैठे हुए हैं, आप कोई भी आपको आइटम लेना हो आप नेट पर सर्च कीजिए, मुझसे जानकारी दीजिए, मुझे व्हाट्सएप पर लाइए, हेलो कीजिए, मैं आपको वो आइटम ऑनलाइन से कम रेट में मैं उपलब्ध कराऊंगा। छत्ती नंबर 10 बॉम्बे नोवल्टी की पहले ये बलबीर भाई की इस शॉप पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट, और आज का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मिक्सअप। पहले आपका परिचय करवा देता हूँ, नाम आपका? सीमा रैया कटिया। हंसिका रजक। चाची भतीजी? हेमलता पटेल। मुस्कान पटेल। माँ बेटी? माँ बेटी। शाइन खान। परवीन खान। माँ बेटी? कायल साक्य। चेतना साक्य। माँ बेटी है? रश्मि बाथम। मिथिलेश बाथम। सिस्टर निकिता। रोहित। दोनों भाई बहन? भाई बहन। सोनम चौहान। अमित चौहान। भाई बहन? भाई बहन। चलिए नाम? विकास। अमन सिंह। आप दोनों फ्रेंड? फ्रेंड। पांच अलग तरीके से, एक दो फनी वाली सेल्फी होनी चाहिए, तीन, ये एक सेम हो गई है आपकी, सेम, हाँ सेम हो गई है, ये सेम चल रही है, मैं आपको आउट करूंगा, फनी वाली चाहिए। मेरा उल्टा हाथ पड़ रहा है। जो भी है करिए आप, इधर इधर, ये चाची नहीं कर रही है फनी। चलिए एक दो तीन चार और ये पांच फनी हंसी वाली, हाँ एक दो तीन चार और ये पांच, वेरी गुड, एक दो तीन चार पांच फनी वाली चाहिए, हाँ एक दो तीन चार और ये पांच, एक दो तीन चार और ये पांच, वेरी गुड, फनी वाली, हाँ एक दो ये तीन ये चार हो ये पांच, वेरी गुड, फनी, एक दो ये तीन ये चार हो ये पांच, वेरी गुड। ये कोई चाची है? जल्दी जल्दी अपने आपको बताते हैं, ओवर स्मार्ट हो, तुम्हें चाची लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं चाची, तुम्हें देखा है मैंने, देखा है रहने, अरे बहुत अच्छे लगते हैं, मालूम है कितने चाचा है वो, मालूम है हमको, करती रहती है अंजलि जी, अरे रहने दो चाचा, ये तारीफ मत करो, वो मालूम है कितने अच्छे चाचा है, अरे हमको मालूम है, तुमको मैंने बोला भी था, अरे मैंने जब तुम्हें गुस्सा होती रहती है, अरे कुछ नहीं जानते चाचा, मैं जानती हूं आपको, नहीं हो तुम क्या करती हो, भूतनी लगती है भूतनी, अरे मैं कुछ कह रही हूं, अरे तुम नहीं जानती चाचा, तुम्हें अच्छी लगती है, अच्छी लगती है ये, हां लगती है, ये क्या बोल रही है, भूतनी लगती है, अरे कहीं चाचा लगते चाचा बहुत अच्छे लगते हैं, कहीं लगते चाचा मेरे को अच्छी लगते हैं, मैं अच्छी लगती हूं उनसे, अरे नहीं लगते चाचा, अच्छे नहीं लगते चाचा, अच्छे लगते, अरे नहीं लगते मुझे मालूम ना, मुझे मालूम है चाचा अच्छे नहीं लगते चाचा, अरे मालूम है कुछ नहीं लगते चाचा, अच्छे लगते हो, हां तो तारीफ करते तुम्हारी चाची, अरे मालूम है बहुत अच्छे लगते हैं चाचा, हां मालूम है, मैंने कहा था आप कैसी लग रही होगी, अच्छी से तैयार होके आया था, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है,
तुमसे मैंने बोला था नहीं वाला स्वेटर पहन के मत आना, कितनी गंदी लग रही हो आप भी गंदे लग रहे हो, आपको गंदे लग रहे हो, इससे बढ़िया तो मेरे पापा अच्छे लगते हैं, मेरे पापा भाई कुछ नहीं आ रही हूँ ऐसी आवाज, मैंने बोला था अरे मैं तो रोज ना के आती हूँ स्कूल जाती हूँ ना, मेरे एग्जाम चले बिल्कुल मैं सही होकर जाती हूँ, मेरे पापा अच्छे लगते हैं कहती रहती है तुम ऐसी बोलती हो, ऐसे अच्छे तो मेरे पापा लगते हैं आप ज्यादा अच्छे, आपसे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और मेरे पापा से शिकायत करूंगी कि आप उनसे और कर लेते हैं कि हाँ वो बुरे लगते हैं, बस तुम्हें अच्छी लगती हो, जब मुझे बात नहीं करनी तुमसे, तुम हमेशा यही बोलती हो, तुम यही बोलती हो मतलब मैं अच्छी लग रही हूँ, पापा बेकार लगते हैं, मैं अच्छी लगती हूँ पापा बेकार लगते हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, आपसे जो पापा अच्छे लगते हैं मैं क्या अच्छी लग रही हूं क्या, मैं उनको रहने दो, मैं तो बहुत अच्छी लगती हूं पापा, तेरे काम लगते हैं मेरे पापा, मैं तो बहुत अच्छी लगती हूं, पापा अच्छे हैं ठीक है, पापा नहीं है अच्छे पूरी करते आप तो कुछ करते नहीं, मेरी भी करती है, मैं मोबाइल में भी करती हूं तो मेरी भी करती है ठीक है, रहने दो तो मेरी भी करती है, मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ पापा अच्छे लगते हैं, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैं होती ना आपसे पापा जाते किसी और से करा रही, अरे तेरा टेढ़ो ऐसे कैसे करने देती, मैं पहले आ रही ऐसे कैसे, मैं पहले आई ना पापा अच्छे लगते हैं, ऐसे कैसे लगते हैं, मैं भी अच्छी लगती हूँ, चलो छोड़ो मैं भी तो लगती हूँ, क्या बन के आ गई भूतनी जी मेरी, क्या बन के आए नाक निकल रही है, नाक निकल रही है, नाक पहुँच ले, चल पहले अपनी चल नाक पहुँच ले, नाक पहुँच ले अपनी, चल ये पहन के आई है कपड़ा अपने ये चप्पल से पहन के आ गई है, चप्पल जो पालतू चिटिया उटिया ढंग से बना गया नहीं तो मत आया कर, हाँ मेरे साथ मेरे कह रही चल मेला चल मेला का मेला चल पालतू में चल चल झूठा पैसे कमाने जा रहा है, चल दूंगी तेरे में चाटा मैं भी दे दूंगा, क्या पहन के आ गई मेले मुंह ढाके कैसे भी चल दी कैसे भी चल दी, बाल बढ़ा रहा चुड़ैल सी लग रही है रात में, रात में चुड़ैल भी तुझसे अच्छी लगती है, मोबाइल में सेल्फी ले दी जाएगी ब्यूटी प्लस पे, सामने देखो तो दला हुआ सब चुड़ैल, तू बहुत सही आ गया नहीं फटे जूते पहन के, मुझे लग रहा है मेले में झूला झुलाता है कुछ भी करता है, पैसे दिए थे तुझे मैंने, कौन से पैसे दिए थे तूने, कब दिए थे, पापा से खाऊंगी तेरे पूरे रुपए खा गया, हां मैं रुपए खा गया, एक भी रुपए नहीं दिया तूने मुझे, मैं क्या कब से कह रही हूं गांव दिला दे अभी तक गांव नहीं दिलाया, क्या करेगी पहन के चुड़ैल तो लगती है, हां चुड़ैल लगती है तू बहुत अच्छा लगता है ना, चुड़ैल गांव नहीं पहनती चुड़ैल तो ऐसी उड़ती रहेंगी, आए 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 पापा से खाऊंगी मैं, दे दूंगी खींच के, सही हो जाएगा, मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं दे दूंगी खींच के, मैं पापा से खाऊंगी तेरी मम्मी से खाऊंगी, कुछ भी कर ले चुड़ैल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जा अच्छा है लेकिन बहनों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए यार, हाँ कितने 24-25 साल तक ही तो अपने पास रहती है, चुराहे पिटता रहेगा फिर आवाज आने के लिए, क्या पहन कर आया है लड़कियों की तरह टी शर्ट पहन कर आया है, देखो जूते मतलब यार तो ये मेला घूमने आया 10 रुपए में जेब में 10 रुपए नहीं है मेला घूमने आ गए, तेरे को खाना खिलाना पड़ता है, जब भंडारे में जाएंगे पतले साफ करते फिर आएंगे, जे नहीं बूंदी लेके कंपनी में बगरा रहे हैं सब्जी लेके बगरा रहे हैं, तू तो घर पे ही ले आता है, तू तो मांगता रहता है पन्नी भर के लेके आता है, बगराते फिर रहे हैं तू तो मांगता रहता है, पिटता है तो बचाना पड़ता है तेरे को, बीच में दे दूंगा ज्यादा, और पिटते रहते हैं 24 घंटे, तेरे को बचाना पड़ता है, चौराहे पिट रहा था मैं पटाने चला जाता हूँ बीच में आ जाता है, किसी को पटाने चले जाता हूँ बीच में आ जाता है, लाने वाले तू शाहरुख खान समझता अपने आपको, नहीं तू सलमान खान समझता अपने आपको, चाहे जहाँ बीच में टांग आता है किसी काम में, नहीं जेब में हर किसी काम में बीच में आ जाता है तू, 10 रुपए है नहीं और आ जाएंगे घूमने, तेरे को बचाना पड़ता है हर बार पिटता है, ये रॉयल फैमिली ग्वालियर मॉडलिंग आइए, ओहो चाची भतीजी, ओहो किसका ऐड कर रहे हैं, गोल्डन विशाल विंडो कूलर, विशाल विंडो कूलर का ऐड कर रहे हैं, चलिए बहुत शानदार है, इधर से ये माँ बेटी आइए, ओहो ओहो वेरी गुड, किसका ऐड कर रहे हैं, गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर बहुत शानदार, आइए इधर से, ओहो ओहो वेरी गुड,
किसका ऐड कर रहे हो? पद्म श्री चाय, मसाले वाली चाय। मसाले वाली चाय, पद्म श्री चाय, बहुत शानदार है, आइए। ओहो वेरी गुड, ओहो ओहो, एक बार और आओ पीछे से सर्किल में से घूम के आओ आओ आओ, हाँ आओ। ओहो ये माँ बेटी, किसका ऐड कर रहे हो? सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक ज्वेलर्स का, बहुत शानदार, आइए। ये दोनों बहन है, ओहो परफेक्ट मॉडल, घूम के आओ सर्किल में, वहां से ऐसे घूम के आओ। ओहो ओहो वेरी गुड, किसका ऐड कर रहे हो आप? बॉम्बे नोवेल्टी, बॉम्बे नोवेल्टी का कर रहे हैं, हाँ इधर से भाई बहन आइए। ओहो ओहो वेरी गुड, किसका ऐड कर रहे हो? अनेजा मॉल, अनेजा मॉल, कहाँ पर है ये? आईसीआई बैंक के पास, आईसीआई, आइए इधर से भाई बहन। ओहो ये बात, किसका ऐड कर रहे हो? शंकर सेल का, शंकर सेल्स, कितने शोरूम है मेले में? 6 शोरूम। और नंबर एक पे कौन है? शंकर सेल, सैमसंग, सैमसंग। चलिए वेरी गुड, बहुत शानदार, आइए इधर से, ये दो दोस्त देखते हैं। ओहो परफेक्ट मॉडल, एक बार सर्किल में से पूरे वहां से घूम के आइए। वेरी गुड, किसका ऐड कर रहे हैं? माइनॉरिटी स्टूडियो, माइनॉरिटी स्टूडियो, नई सड़क, पोर्टफोलियो, चलिए बहुत शानदार है, आइए। अबे तेरे को क्या पाइल्स हो गई है? पाइल्स हो गई है तेरे को, तो फिर यहाँ क्यों आया? किसी डॉक्टर के पास जा, डॉक्टर हमारा गायब हो गया है। डॉक्टर गायब हो गया? जी सर। तो तेरे को हो क्या गया? तेरी हवा कम है क्या? ये पंप चला रहा है क्या, कर रहा है? एक्चुअली में मेरा एक टायर पंचर है। अबे तो तेरा एक टायर पंचर है तो एक चलना चाहिए, तू दोनों पैर चल रहा है? पता नहीं सर, पता नहीं है क्या, काहे के लिए आया यहाँ? मॉडलिंग करने। मॉडलिंग, काहे की मॉडलिंग? ये हमारा झाड़ू वाला बल्ले है, झाड़ू वाला बल्ले हो गई, आ जाओ उधर। और आप मोहतरमा? हाँ जी। काहे का ऐड कर रही है वो? मैं शांति भाई मैक्सी वाले, शांति भाई मैक्सी वाले, शांति भाई मैक्सी वाले, कहाँ से आई हो आप? मैं, हाँ। मैं फ्रांस से आई हूँ। ये फ्रांस से आई है? ये कहाँ से आया ये बता मेरे को? छतरी के लिए अकेला आ गया? जब वो आज में बाबू नहीं आया तो तू कहाँ पर अकेला आ गया? गलती से क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है ये? कपड़े भी उतार रहा है? नहीं नहीं तू मेरे को बता, इधर आ, नहीं नहीं तू इधर आ, तू नहीं, तू मेरे को बता क्या काम क्या करता है ये बता? मैक्सी बेचता है तो तू यहाँ काहे के लिए आ गया बिना उसके? घूम के आ गया था, घूम के गलती से, घूम के आया तू गलती से, पकड़ ले यार ये, नहीं नहीं अब आएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, आएगा बिना हो के? मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। चली चली जा। मम्मी कैसे आई थी? चुप हो जा, मम्मी की शादी में तुम थी? नहीं। तो फिर कैसे वाले? कैसेट में देखा था। कैसेट बनी आपकी? बताओ जरा, ऐसे ही रोए थे आप? ऐसे ही। ओ मम्मी बस बस बेटा चली आ, चली आ, मम्मी मैं नहीं जाना, कहाँ कर दिया तूने मेरी शादी? बस बस बेटा चलिए, कैसे रोई थी मम्मी? मैं तो थी नहीं। तो बताया नहीं मम्मी ने? मैं नहीं जाऊंगी बाबू, मैं नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं, चलिए चलिए चलिए। क्या कर रहे हो आप? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अरे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। चलिए काय ऐसी रोए थे का? बताओ ना ऐसी रोए थे? इनने का देख लिया कैसे में कैसेडी नहीं बनी होगी जब नहीं बनी थी तो बच्चे। अच्छा ये चक्कर है, ये बहने हैं तुम दोनों आपस में कैसा कहते, दोनों एक दूसरे की बना दो। चलिए वेरी गुड, हाँ जी गुड को रोको, काहे पहले से कर रहे? बहना की विदा होगी तो कैसे रोगे? लड़ा जाओगी भैया से मिलके, कैसे जाओगी विदा में?
ओ मेरे भैया कैसे जाओगे भैया से जब विदा में जाओगे? कैसे बढ़िया हंस के ही चले जाइयो। आप कैसे विदा करोगे आप बता दो बहन को। चलिए कैसे जाती है गांव में बेटियां जाती है ओ मैया मैं जा रहा हूं मैं नहीं जाऊंगी जो चलिए वेरी गुड बहुत शानदार बहुत शानदार। ओ पापा ओ भैया ओ भैया चलिए दोस्तों मैं फिर वही आपसे दो तीन बातें कहूंगा कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है अगर आप गर्ल्स हैं तो ग्वालियर में हर जगह बेटी की पेटी रखी हुई है उसका आप उपयोग करें। अगर आप गर्ल्स हैं अगर आपको कोई आते जाते छेड़ता परेशान कर रहा है मोबाइल पे परेशान कर रहा है या आपको सोशल साइट पे परेशान कर रहा है अगर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते एक कागज पे अपनी शिकायत लिखिए अपना टेलीफोन लिखिए और बेटी की पेटी में जाके डाल दीजिए। आपको मालूम है क्या बेटी की पेटी? जोर से बोलो। मालूम है बेटी की पेटी? देखिए ग्वालियर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन साहब स्वयं बेटी की पेटी जो उसमें शिकायत होती है उन पे अपनी निगरानी रखते हैं और जो भी मनचला आपको परेशान कर रहा समझ लीजिए वो एकदम ठीक हो जाएगा क्योंकि उसका इलाज यहाँ 55 साल पहले पागलखाना बना है वहां भी हो सकता है या तमाम हवालातें बनी हुई है वहां भी हो सकता है। प्लीज ग्वालियर को एक नंबर बनाना है क्या? जोर से बोलो। इधर से बोलो। एक नंबर बनाना है तो ये भीड़ हमें उठाना है। समय पे कचरा डालिए गाड़ी वाला आया भैया कचरा निकाल सड़क पे मत फेंकिए कचरा और टोकने की आदत डाल लीजिए। कोई भी अगर आपके सामने कुछ भी फेंक रहा है टोकना शुरू कर दीजिए वो सामने वाला समझदार हो जाएगा। और प्लीज विधायक स्टेशनरी बैंक देखिए मैं आपको बार बार जो बता रहा हूँ विधायक स्टेशनरी बैंक उन बच्चों की हेल्प करता है जिनके माता पिता बच्चों को पढ़ाने लिखाने में सक्षम नहीं होते हैं और अगर आप सक्षम है ईश्वर आपको संपन्नता दे रहा है तो मदद कीजिए ना मानवता का धर्म निभाइए उन बच्चों की हेल्प कीजिए जो वास्तव में बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं
योग्य नहीं बन पा रहे। आपका हो सकता है एक सहयोग उनको कलेक्टर आईएएस आईपीएस कमिश्नर या साइंटिस्ट बना सकता है। ध्यान रखें विधायक स्टेशनरी बैंक साहब शास्त्री अकाल हाँ यार साहब ढोल नारे आगे तेरे पीछे घूमे दुनिया मेरे कमाल कर दिया साहब। कमाल किसने किया है? और साहब मैंने किया यार। तू तो रोज ही कमाल करता है। ओ, आपको मालूम है साहब वो तो वो पता कमाल करता है। हाँ यार आज तो पेश भी कर दूंगा और कमाल भी कर दिया। कमाल तो तू रोज करता है लेकिन हाँ। टैलेंट पेश कर दे भाई। टैलेंट तो पेश हो जाएगा। एक आध बार तो कर दे यार। नहीं आज तो हो जाएगा साहब। हाँ कमाल कर दिया वैसे साहब। मैं आपके सामने कर दूंगा टैलेंट पेश। वैसे साहब कमाल कर दिया मैंने। अब तू पहले अपना कमाल बता दे। आज क्या हुआ साहब? आज अकड़े है पापा ने बोला। हाँ पापा अकड़े गए। मैंने कुंडी लगा दी और पाइपलाइन काट दी साहब। अंदर ही फंसे हुए फोन लगा रहे बॉयल बंद कर। वही वही अकड़े यार। अरे वो नहीं है तो यार कल बाद में बताऊंगा कौन सा डे है आज। लगा हुआ है जो पापा ने बोला अकड़े है पापा। ओ, मैं मम्मी का बता देता हूँ। वो मम्मी दूसरी मंजिल पर। चलो आज तो पेश कर दूंगा साहब आपके सामने आपका अपना टैलेंट। ओ यार साहब क्या था यार। ओ नहीं टैलेंट पेश घर भर की बात बताएगा तो मैं ऐसे ही चल रहा हूँ। चल पेश कर। चलो चलो आज आपके सामने कर दूंगा टैलेंट पेश आप। ओ साहब ओ यार मैंने अपने करो यार ये टैलेंट पेश कर पाएगा क्या? जल्दी इधर से बोलो। ओ यार यार कमाल आदमी है यार। एक मिनट देखो साहब कर दूंगा। कर दिया पेश। हाँ देखा आज आपके सामने कर दूंगा आपका अपना टैलेंट पेश। आपका अपना टैलेंट आने वाला है बस ये आ गया। कर दूंगा पेश। अबे तो अंकल गाड़ी में ब्रेक भी रखा कर। साहब चलो नहीं अपन तो पेश कर देंगे आज का आपका अपना टैलेंट आज आपके सामने। ओ यार आगे वाला आ गया साहब आ गया आ गया यार बहुत देर हो गई थी साहब। चल आ जा। हाँ चलो पेश कर देते हैं आज आज आपके सामने आपका अपना हप, हप, हप। ओ साहब मैंने अपने ये कर पाएगा क्या जल्दी बोलो कर पाएगा? ओ यार पूरा शहर पहचान गया है कि तू टैलेंट पेश नहीं कर पाएगा। नहीं आज तो टैलेंट पेश हो जाएगा। आज तो अपनी बेइज्जती बचानी है मेरे को। आज आपके सामने आपका अपना टैलेंट मैं करके दिखा दूं। ओ यार नमस्ते यार आज दूर करके बात कर। क्यों यार कैसे दुश्मनी है मेरी? इधर खड़ा के बात करो। ये कहिया का भैया ये मारता है कहाँ है कहाँ है कहाँ है? ओए नीचे देख नीचे पे नीचे। वो भाई है भाई है। एक मिनट दूर होके बात कर। अब पता क्या कह रहा था तू? पहली बात तो भाई कैसे मान लूं भाई है क्या? कैसे मान लूं? शक्ल मिल रही है। एक मिनट रुकिए बंगों करियो बाऊ बाऊ बंगों करियो यार करियो। ओए भाई है यार तो लग रहा है। एक मिनट एक बार करियो यार यार भाई लग रहा है यार। एक मिनट इधर आइयो यार। ओए दूर हो जाए इधर आया यार तो खड़ा रही है इसको संभालियो मैं टैलेंट पेश कर रहा हूँ ठीक है? चलो टैलेंट पेश करो बनता है गार्ड के सबको कीमा बना दूंगा मैं इसका मार मार के कीमा बना दूंगा मार मार के से कीमा। टैलेंट कोई होने टैलेंट का नाम है। एक मिनट कहाँ है कहाँ है? उड़ा दिया छोटो उड़ा दिया एक अब बता उड़ा दिया वो टैलेंट है क्या? हाँ पेश कर दूंगा ना आज आपके आपके। हाँ तेरे घर में कोयला पड़ा है? हाँ पड़ा है ना। लगा लेना मुँह पे बदसूरत। तू होगा बदसूरत और तेरा वो। हाँ मेरा वो। हाँ आज आपके सामने। हाँ तेरे घर में कुत्ता पला है? आएगा तो तू भी बंधवा ले अपने आप को। तू होगा कुत्ता तेरा वो ठीक है आज आपके सामने कर दूंगा आपका अपना बैठ के आया है? आया हूँ तभी कहूँ बदबू क्यों आ रही है? तेरे में से आ रही होगी और तेरे उसमें से ठीक है नहीं आ रही। चलो आज कर दूंगा आपके सामने आप... करके आया है? हाँ करके आया हूँ। क्या हो यार करने की बात मत कर यार। आज कौन सा डे है? आगे डे आगे नहीं है। हाँ आगे है आगे ना। हाँ चलो आज कर दूंगा पेश आपके सामने। हाँ तेरे घर में मम्मी पापा है ना? तलाक करवा दे दोनों का। क्यों करा दूं तलाक? एक तो अच्छा सजेशन दिया। क्यों करा दूं तलाक? अबे एक तो सजेशन दे रहा तेरे को। है नहीं तो सजेशन दे रहा हूँ। चल मेरे को पेश करना है। तेरी शादी हो गई क्या? हाँ हो गई ना। हो गई? हाँ। कितने बच्चे? नहीं हुई। मैंने पहली बार बोला गधे की शादी कैसे हो सकती है? तू होगा गधा और तेरा वो टैलेंट है क्या? वो कौन है? वो यार कौन है? वो कौन है? वो बोलता है बार बार टैलेंट है तो पेश कर। चलो चल आज आपके सामने आपकी। हाँ यार घर में पानी की टंकी है ना डूब मारो उसमें तू मरो तेरा वो। अरे वो क्या है? वो कौन है मेरे को ये बता पहले।
इधर टैलेंट पेश कर। चलो आज आपके सामने आपकी दाल बनाई। तेरे घर के बगल में कोई गधा रहता है ना? शक्ल मिलती है तेरी उससे ना? अब बहुत हो गई तेरी, अब बहुत हो गई तेरी। अच्छा रात को जो रात को जागता है जानवर उसको क्या कहते हैं? अपन जानवर उल्लू। अबे अपना नाम मत बता करे। तू होगा उल्लू हो तेरा, वो कौन है वो बता मुझे। छोड़ो यार जाने दो। चलो आज आपके सामने कर दूंगा। दूध आता है? आता है ना। तो फिर तो ज्यादा मंगाते होगे। ज्यादा मंगाते हैं ना, है ना? हाँ। मुझे पता है कुत्ता लग रहा है पीता होगा। तू होगा कुत्ता और तेरा वो। अबे वो कौन है पहले ये बता। अपन तो पेश कर देंगे आज, आज आपके सामने यार। क्या यार कुछ नहीं मेरा। चलो आज आपके सामने ना। तुम्हारे घर में कचरा होता है? कचरा होता है ना, वो तो दिख ही रहा है होता होगा। क्या होता है? कचरा नहीं होता। नहीं होता? नहीं। ओ चैलेंज तो पेश कर। चल वो भी नहीं सकता तो जानवर रहेंगे तो खा जाते होंगे कचरा। तू होगा जानवर हो तेरा वो। ये वो कौन है पहले बता। चैलेंज तो पेश करो। चलो आज आपके इसको मार मार के बना दूंगा इसका कीमा। मार मार के इसको बना दूंगा इसका कीमा। टैलेंट का नाम कोई और नहीं, टैलेंट का नाम है अंतिमा। अंतिमा बेरा के आ जाओ इधर। इधर पहले अंतिमा नहीं है, अंतिमा है। टैलेंट कितने पेश किया है? मैंने। जोर से बोलो। निपट ले बाबू से जा। नहीं जा रहा मैं मम्मी के पास। नहीं जा रहा मैं मम्मी के पास। नहीं जा रहा जब देखो जब पेश कर। ओ बस ओए 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 एक मिनट। ओए ओए तू क्यों गिर गया यार? चक्कर आ गए थे मेरे को। ओए एक मिनट इधर देखो। ओए ओए मंदिर जाएगा मंदिर। ओए तू इसको उठा ले, उठा के दिखाइयो। हां यार उठा लूंगा ना यार। उठा लिया यार मैंने यार। नहीं बात बात इसको नहीं, इसको पकड़ा, इसको पकड़ा ही उठाएगा यार। और तू उठा के दिखा हम इसको, उठा के दिखा। वजन ज्यादा नहीं है ऐसे पकड़ यार। अबे ऊपर से ऐसे पकड़ना, उठा के दिखा। हवा में अपने सर के ऊपर क्या रखता? उठाइयो यार हवा में। अबे उठा खड़ा रख, सीधा रख, आंख बंद कर। भगवान भगवान मेरे को नजर नहीं लगे, मेरे को नजर नहीं लगे। कभी जिंदगी में नहीं लगे, कभी जिंदगी में नहीं लगे, कभी जिंदगी में नहीं लगे, कभी जिंदगी में नहीं लगे। देख क्या किया जे? मंदिर जाने के बहाने। अबे देख क्या किया जे? एक मिनट बैठ। ओए बैठ यार एक मिनट। ओए क्या किया जे? ओए क्या किया? ओए ले जा यार घर, रोटी बनाइयो यार जा। रोटी बनाइयो घर यार रोटी। चल ओए क्या किया भाई तूने? मैंने कुछ नहीं किया। नहीं क्या किया तूने? मैं तो खड़ा था। ऐसी खड़ा था तू? और क्या? नहीं क्या किया तूने? मैंने कुछ किया ही नहीं है। नहीं क्या किया तूने? कुछ भी नहीं किया मैंने। खा ले। अबे क्या कर रहा है ये? मैंने थोड़ी कुछ किया। नहीं क्या किया तूने? बच्चे का क्रीम रोल छीन लिया। मैंने थोड़ी छीना नहीं दिया। तेरी मामा ले रहा अच्छा नहीं लग रहा। बड़ा खाएगी? खाएगी ना ले। करता क्या है तू यहाँ ये बीच बीच में? तू भगवान के डरे खाते हुए? खाते हुए क्या क्या करता है तू? करता क्या है तू? ये खाता था मैं बच्चों का छीन छीन के तू मटेरियल खा जाता है। चल इधर अब, चल इधर। अबे क्या कर रहा है ये? चीजें छीन छीन के तू खा रहा है लोगों की? चल इधर थोड़ा थोड़ा खा लो। चल इधर चलो उधर।
बीच बीच में घुस रहा है, तू लोगों की चीजें खा रहा है, चल इधर। हगडे हगडे हटो हगडे हटो हगडे हटो हगडे हगडे आज निकलना यहाँ से, नहीं निकलना। हगडे है ना, मैं आया कल मिलके आया देख आया ना, मैं बता रहा हूँ बाबू, चल निकल यहाँ से। नहीं निकला दो निकल, चाचू मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। नहीं क्या अपना घाटा हूँ, रिश्तेदार इनका झींगे काटो, आपको क्या दिक्कत हो रही है? मंगाओ और मंगाओ और खा लूंगा मैं तो। नहीं क्या लो खा दो, मैं क्रीम रोल, ये लो क्रीम रोल, ये लो ये लो, ये खा आगे आगे खा दे, हम तो आगे से खा दे, हमारा परिवार ऐसे खाता है, इनका झूठा नहीं, ये लो अंदर नाक भी खाते हैं, ये लो। और कुछ? ये लो चूरा और बजा चूरा, ये लो चूरे की पूजा करते हैं हम लोग, पूजा कर ली लो, क्या करना बताओ, जाओ प्ले। कहाँ जाता है ट्रॉली? गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर। गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर की ये खासियत है, पूरी गारंटी देते हैं, फुल गारंटी, और उसके होने से मतलब हमारे स्मार्ट लोगों की स्मार्ट पहचान है गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर, जो छतरी नंबर 2-3 के वो सॉरी 3 और कैल्विन के बीच में लगा है, और जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बिज लाइट की भी बचत होती है, मतलब कम से कम चार्जर रख के हम खाना बना सकते हैं, बेड के बगल से भी रख के हम लोग खाना बना सकते हैं, और कहीं जाएँ तो हम लोग मतलब यूज़ करके उसको खाना, टैन वगैरह में स्विच लगा के यूज़ कर सकते। स्कीम्स इसकी ये है कि मतलब एक पे आप लोग मतलब लोग लकी ड्रॉ खोलता है इनके ना, और आप एक इंडक्शन की गारंटी देते हैं ये लोग। चलिए आगे, चलिए गोल्डन लाइफ इंडक्शन। इसमें 5 पर्सन है, गोवा, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर का टूर है, और इसके अभी विनर ब्रजेश शर्मा है, और 5 पर्सन है, इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, घर किचन बेड वेड कहीं भी ले जा सकते हैं, और 5 पर्सन है, इसमें 10,000 का कैशियर है, एक कुकर है, रिपीट चीज है नहीं। इसमें मलेशिया चैलेंज का टूर है, इसमें ना ये 10,000 का कैश है, और इसमें ट्रॉली बैग है, और इसमें ना अपन कैसे भी बर्तन रखे, 3 किताब रखे भी इसमें खाना बना सकते हैं, और इसमें ना कम बचत, बिजली की बचत होती है, और ये अच्छा है, इसको कहीं पे भी ले जाके अपन ले जा सकते हैं, और इसमें कम बचत में भी खाना बना सकते हैं, और इंडक्शन सबसे अच्छा है, इसमें आया 2090A, और एक वो कौन सा है 2090B, उसमें है ना 5 बर्तन है, कुकर है, और इसका सर्विस पटेल नगर में है इसका, और इसमें ना कम समय में अपन बिजली की कम खपत, जल्दी से आप 4950 वाला है, और उसमें नॉन चेक वाले 3-5 बर्तन है, इसमें एक प्रेशर कुकर है, और इसमें 4750 वाले में भी सेम है, और 3250 वाले में ना खाली इंडक्शन है, और अभी ब्रजेश शर्मा ने इनका गोवा का टूर जीता है, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, गोवा, और एक ट्रॉली बैग और कश्मीरी गेट, और है ना चंदिया नंबर 3 के बीच में, और है ना इनके 3 रजिस्टर रख के है ना इनके ऊपर वो खाना ना बनाओ तो बन जाता है, और है ना इसके ऊपर है ना 15 किलो से ज़्यादा वजन ना रख सकते हैं, ऐसे गर्म पानी वाला, और बिजली की बहुत कम मदद करते हैं, मतलब इसके ऊपर खाना बन जाता है। व्यक्तियों को खाना कितने रुपये में तैयार हो जाता है? 5 रुपये में, 5 रुपये में, 5 से 10 रुपये में, एक आपके लिए रख लीजिए गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, सबसे ज़्यादा आपने ये, मैं इधर से आता हूँ जल्दी से, सिद्धि विनायक ज्वेलर जी, 500 से ज़्यादा इसमें ब्राइडल लेंगे, 1500 से ज़्यादा साइड लेंगे, और 600 से ज़्यादा इसमें गाउन है, और 300 से ज़्यादा इसमें क्रॉप टॉप है, और इसमें दूल्हा घर भी है, और इसमें 800 से ज़्यादा शेरवानी है, 600 से ज़्यादा वो है ब्लेजर है, और 300 से ज़्यादा इंडो वेस्टर्न है, और ये इसमें ज्वेलरी भी सब किराए पर मिलती है, और ये चिटनेस गुड साउंड वाली की 3-4 दुकान छोड़ के अंदर है। चलिए, ये साबुन वाली गली चिटनेस की खो में है, 4-5 दुकान छोड़ के है, और इसमें लहंगे, साइड लहंगे, इंडो वेस्टर्न, क्रॉप टॉप, और दूल्हे की शेरवानी, पगड़ी, दांडिया की पूरी रेंज है, और इसमें क्या बोलते हैं दुल्हन की सहेलियों के लिए भी पूरी व्यवस्था है, और वहाँ पे तैयार वो पूरा सब कुछ इसमें रेंट पे मिलता है। और इसमें छोटे छोटे दूल्हे रहते हैं उनके लिए सब दूल्हों के लिए कुछ नहीं है,
ना 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 ना, वो बाल विवाह में आते हैं, छोटे बच्चों के लिए सबको चाहिए, बच्चों के लिए भी नहीं है। चिल्ली और सावनी गली में है और इसमें चार पांच दुकानें छोड़ के है, इसमें साइड लेंगे, क्रॉप टॉप दूल्हा घर है और दूल्हे के भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए भी है, दुल्हन की बहनों के लिए, सहेलियों के लिए भी है और मीडियम लोग भी, मतलब साथ में जितने भी आते हैं उन लोग सबके लिए है। चिटनी और सावन गली गली चार पांच दुकान छोड़ के यहाँ पे है ना, वो शेरवानी 500 से अधिक है, साइड लहंगा 1500 से अधिक है और ब्राइडल लहंगा 500 से अधिक है और क्रॉप टॉप 600 से अधिक है और गाउन 300 से अधिक है और यहाँ पे ना वो डांडिया का सामान मिलता है और ना किराए से मिलता है। चलिए इधर आता हूँ, एक चीज और जल्दी से बताइए, यहाँ पे सब सुविधाएं, यहाँ पे दूल्हा घर भी है और ये इसमें शेरवानी वेरवानी ज्यादा है। आपने बिल्कुल क्रमबद्ध क्रम बताया, रखिए एक आपके लिए रख लीजिए, सिद्धि विनायक ज्वेलर से एक आपके लिए उपहार है और एक और यहाँ पर ये किसने लगाया है, ये विशाल विशाल विंडो कूलर ने स्लीप बेल, यहाँ पे पूरी अलमारियों की रेंज है और स्क्रीन टच मॉडल में एक अलमारी भी आई है। कितने परसेंट फाइनेंस पे फर्नीचर, ये 0%। एक आपके लिए रख लीजिए, एक आपके लिए है, मैं इधर से आता हूँ, कलर भी अच्छा है, कौन सा मॉल है ये, अनेजा मॉल ICICI बैंक के मोर बाजार, ICICI बैंक के पास, यहाँ 199 साड़ी है, 2500 लहंगा स्टार्टिंग है, 400 के सूट है, इनका मिलते हैं। एक आपके लिए रख लीजिए, आज बुधवार है, हरा कलर फेवरेट होता है, एक आपके लिए है, इधर से आता हूँ, चलिए कौन सी चाय है ये, पदम श्री, पूरा बताइए, पदम श्री चाय, हर शॉप पे मिलते है, अभी मसाला चाय आने वाली है, आ गई है मसाला चाय, चम्मच नगर, एक आपके लिए रख लीजिए, पदम श्री चाय से एक आपके लिए, इधर से आता हूँ, निरंकारी बेकरी जनकगंज में है और एक इसका कंपू पे भी है और इसके ना हर तरह के बिस्किट, केक्स वगैरह और बिस्किट काफी अच्छी क्वालिटी में मिलते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है निरंकारी बेकरी के नाम से, और एक आपके लिए निरंकारी बेकरी से है, चलिए मैं इधर से आता हूँ, कौन सा पोहा है, ताजमहल पोहा, पूरा बताइए, ताजमहल पोहा है जी, हर शॉप पे मिलता है, ब्राउन टोटल ब्राउन नहीं होता, व्हाइट ही होता है, लेकिन बाजार में नकली पोहा भी आ रहा है, ध्यान रखिए आपको मिल जाएगा ताजमहल पोहा पे, हरी बाबू ताजमहल, यानी समझ लीजिए वो ओरिजिनल है, ठीक है ना, अकेला ताजमहल लिखा डुप्लीकेट है, हरी बाबू का ताजमहल पोहा, रखिए एक आपके लिए ये उपहार है, आप रह गए बॉम्बे नोबल्टी के पहले, बलबीर भाई की शॉप छठी नंबर एक पर है, नहीं छठी नंबर 10 पर है और इनके ये इनका ब्यूटी पार्लर का सारा सामान मिलता है, बच्चों के खेल खिलौने मिलते हैं, एक आपके लिए रख लीजिए बॉम्बे नोबल्टी गिफ्ट पहले से, एक आपके लिए है, सब स्वीट्स माधवगंज चौराहा, यहाँ पे बहुत तरह मिठाई मिलती है, यहाँ पे नाश्ता ही मिलता है सिवे और यहाँ पे बुकिंग की है, नाश्ता मालूम है आपको, आपको मिलेगा नाश्ता मुरैना और आगरा का जो टेस्ट है, हाँ। बिल्कुल वैसा मिलेगा, एक आपके लिए है और पब्लिक में बता दीजिए, यश मार्केटिंग हाथ खड़ा कर लीजिए, ये 800 रुपए मूल्य का इनाम है, हाथ खड़ा करिए यश मार्केटिंग, चलिए बताइए, जींस लाल नंबर एक पे है, इनके यहाँ पे जिम का सारा सामान है और छोटी बहू भी आई थी इनके यहाँ पे और शुगर की सब चीजें मिलती है, ये देखिए आपके लिए, ये जंपिंग रोप है, ये डिजिटल है टोटल, इसके अंदर आप डिजिटल है, सेल लगाकर कितनी देर आपने जंपिंग कर ली आपको पूरा बताया जाएगा, ये ऑनलाइन मंगाएंगे तो 700-800 रुपए की आती है, ये एक आपके लिए उपहार, ताजमहल पोहा से हरी बाबू का ओरिजिनल ताजमहल पोहा रखते जाइए, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए है ताजमहल पोहा से रखिए, एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी है ताजमहल पोहा से रखिए, एक आपके लिए है, एक आप दोनों फ्रेंड के लिए ताजमहल पोहा से, एक एक और यहाँ पर आप सबके लिए है, यहाँ मेरे पास पद्मश्री चाय RRD कंपनी नया बाजार से रखते जाइए, एक आपके लिए भी है, आपको बड़ा मिल गया, एक आपके लिए है पद्मश्री चाय RRD कंपनी और नई चाय आ गई है मसाला चाय, एक आपके लिए और है मेरे पास यहाँ पर निरंकारी बेकरी से, आपको बड़ा मिला, एक आपके लिए निरंकारी बेकरी से रखिए, एक आपके लिए है निरंकारी बेकरी से, एक आपके लिए है और एक आपके लिए है, शूज है ये रीडाज, कहाँ मिलता है ये रीडाज का शूज, हर शॉप पे, हर शॉप पे मिलता है, एक आपके लिए, आप स्पोर्ट्स शू पहनते हैं ना, हाँ। रीडाज के पहने हैं, कैसे निकले, काफी अच्छे निकलते हैं, इसकी क्वालिटी है, धोने के बाद भी ये खराब नहीं होते हैं, एक आपके लिए भी है रीडाज शूज से है, रखते जाइए, एक आपके लिए रिडाज शूज से, आप लोगों ने पहने रिडाज के शूज, कैसे निकलते हैं, ड्यूरेबल कंफर्टेबल रीजनेबल आपके लिए, और एक आपके लिए भी अनेजा मॉल से रखिए, एक आपके लिए है, एक आपके लिए अनेजा मॉल से है, एक आपके लिए अनेजा मॉल से,
एक आपके लिए भी अनेजा मॉल से रखी है, एक आपके लिए अनेजा मॉल आपके लिए है, आपके लिए भी अनेजा मॉल से है, एक आपके लिए भी है, एक एक और आप सबके लिए मैं यहाँ पे देता हूँ। मोबाइल वर्ड गुरुद्वारे के सामने पुराना मोबाइल आप खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, अगर एक साथ पैसा नहीं है तो आप पुराना मोबाइल खरीद भी सकते हैं। उनकी तरफ से ये आपके लिए कूपन है, दोनों फ्रेंडों को देता हूँ एयरफोन का कूपन, वहाँ जाइए एयरफोन लाइए, एक आपके लिए आपके लिए आपके लिए भी है, एक आपके लिए मोबाइल वर्ड से, एक आपके लिए और एक आपके लिए। इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा शोरूम कौन सा है और इस समय ग्वालियर का नंबर एक कौन सा है? सैमसंग। कौन सा? सैमसंग ग्वालियर का नंबर एक हो चुका है। अब एक आपके लिए आपके लिए आपके लिए भी है, एक आपके लिए आपके लिए, सैमसंग से एक आपके लिए आपके लिए, एक आपके लिए आपके लिए, कौरव स्वीट से एक आपके लिए और एक आपके लिए है, आपके लिए भी है, कौरव स्वीट से एक आपके लिए, आपको तो बड़ा मिल गया, बहुत मिठाई, एक आपके लिए आपके लिए, एक आपके लिए कौरव स्वीट से, एक आपके लिए। कौन सा एक्वा है? गोल्डन लाइफ एक्वा, एक एक आपके लिए गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर, एक गोल्डन लाइफ एक्वा आपके लिए भी है, एक आपके लिए भी है गोल्डन लाइफ एक्वा, एक आपके लिए है, आपके लिए भी है गोल्डन लाइफ एक्वा, एक आपके लिए है और एक आपके लिए। एक एक और देता हूँ आपको, आपके काम की चीज़ दे देता हूँ। हाँ, मुस्कान तो ऐसे आती है, मैं बताता हूँ कैसे आती है। पैसा बोलता है। आपके लिए बॉम्बे नोवल्टी की पहले से, ठीक है, आप दोनों भाई बहन के लिए, आप दोनों भाई बहन के लिए, आप दोनों बहनों के लिए, एक आपके लिए बॉम्बे नोवल्टी की पहले बलवीर भाई की शॉप से, एक आपके लिए आप दोनों के लिए और एक आपके लिए 2000। नई सड़क क्या खासियत है इसके? ना आप फोटो खींचते हैं, इसके फोटो बहुत क्लियर आते हैं, बूढ़े भी जवान दिखते हैं इनके यहाँ, और जिनके चेहरों पे जैसे स्पॉट्स होते हैं ना वो भी साफ दिखता है, क्लीन चेहरा दिखता है। एक ड्रेस में जाओ और बहुत ड्रेसों में फोटो, हाँ, एक आपके लिए, एक आपके लिए, और जिनकी नहीं हो रही होती है उनकी हो जाती है। क्या शादी की जाएगा आपने? चलिए, एक आपके लिए फाइन आर्ट स्टूडियो से, एक आपके लिए भी कहाँ पर? एक आपके लिए, एक आपके लिए भी फाइन आर्ट स्टूडियो से, एक आपके लिए कहाँ पर है? ये नई सड़क। फोटो खिंचाया है? नहीं, अभी तो नहीं है, खिंचवाते ही नहीं है। चलिए, एक आपके लिए फाइन आर्ट स्टूडियो नई सड़क से पोर्टफोलियो, आप लोग अगर पोर्टफोलियो तैयार कराना चाहते हैं, मेरी गारंटी है आप तैयार कराइए, आप कंपेयर कर लीजिए कि दिल्ली का, मुंबई का या ग्वालियर का, कंफ्यूज हो जाएंगे। सिद्धि विनायक ज्वेलर से एक एक आपके लिए और है, आपके लिए भी है, सिद्धि विनायक ज्वेलर से रखिए, एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी सिद्धि विनायक ज्वेलर से रखिए, सिद्धि विनायक ज्वेलर से एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए भी सिद्धि विनायक ज्वेलर से रखिए, एक आपके लिए, एक आपके लिए भी है सिद्धि विनायक ज्वेलर से। मैं और इधर चलता हूँ, क्या नाम है बेटे? रखो गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से आगे आओ, क्या नाम है? गीता राठौर। प्रोग्राम देख रहे हैं, एक आपके लिए रख लो गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से आगे आइए भाभी जी। नाम? मेरा साक्षी। प्रोग्राम देख रहे हैं, गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से एक आपके लिए, ये उपहार है, क्या नाम है आपका? चांदनी। प्रोग्राम देख रहे हो, गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से एक आपके लिए, ये उपहार है बेटे। नाम क्या है? नीतम। रख लो गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से एक आपके लिए उपहार, क्या नाम है आपका? मंदाकिनी। प्रोग्राम देख रहे हो आप, रखो गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से एक आपके लिए। इधर बेटे, क्या नाम है आपका? सृष्टि। कहाँ रहते हो? दिल्ली। प्रोग्राम देख रहे हो, एक आपके लिए रख लो गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से एक आपके लिए, क्या नाम है आपका? शिवम। कहाँ रहते हो? प्रोग्राम देख रहे हो आप, ये एक आपके लिए गोल्डन लाइफ। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ से सीधे झूला सेक्टर और देखते हैं कि आज बुधवार के दिन क्या नजारा है, यहाँ से सीधे झूला सेक्टर। तो दोस्तों ये था आज के कार्यक्रम, आओ मेला चले। देखिए मैं पुनः कहूँगा, 12-22 फरवरी का ग्वालियर व्यापार मेले का समापन समारोह और 24 तारीख को हम आपसे विदा ले जाएंगे। अभी भी आप रह गए तो आ जाइए ग्वालियर के व्यापार मेला, घूम जाइए, नहीं तो साल भर का इंतजार फिर आपको सताता रहेगा और फिर हम आपसे विदा भी ले जाएंगे। अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो मैं कहूँगा आइए ग्वालियर के व्यापार मेला। टाइमिंग ध्यान रखिए, 36 नंबर 1-2 के बीच में दोपहर 2 से 2:15 तक, आप टाइमिंग का ध्यान रखिए। या कॉन्सेप्ट में अगर भाग लेना चाहते हैं मिक्सअप तो साइकिल 4 बजे 36 नंबर 1-2 के बीच में हमारी टीम से मिल लीजिए तो आप कॉन्सेप्ट में शामिल हो सकते हैं। अब गुरुवार लग गया ना, हाँ मिक्सअप है, शुक्रवार का स्पेशल है वैलेंटाइन डे, आप समझ गए ना। अगर आपकी एंगेजमेंट भी हो गई और सेलिब्रेट करना चाहते हैं वैलेंटाइन डे को, आइए यहाँ तक, गिफ्ट तो आपके लिए है लेकिन आपका जो भी फंसा सकते हैं ना आप, आ जाइए ग्वालियर के व्यापार मेला। और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो सायकाल नहीं 6:30 से 7:15
आओ मेला चलेगी पूरी टीम, मैं स्वयं कैमरा के साथ यहाँ मौजूद रहता हूँ। कम से कम लास्ट में जो गाना भी आपने देखा है यहाँ मैं आपका पिक्चराइजेशन जरूर करूँगा। तो इजाजत चाहता हूँ आज के कार्यक्रम में। मैं शिरीष गुप्ता गुड्डू को एंकर, निखिल कटारिया बाबू बेधड़क, अभिषेक चौथवानी, करण बघेल, नवाब इसके साथ, विशाल रत्नाकर, अनुभव हासवानी और हेमंत मारिया, पूरी आओ मेला चलेगी साथ में कैमरामैन गोविंद कुशवाहा, ऋषभ सांकला, टेक्निकल वरुण जैन, बीजे, पूरी आओ मेला चले टीम के साथ इस वादे के साथ इजाजत चाहता हूँ। कल आपसे इसी चैनल पे इसी जगह पुनः मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए सभी नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा ढेर सारा प्यार, सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श, सभी हम उम्र को हाय। अंत में आज इजाजत और कल मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय।